Hello, Hello, am I live? के आई एम लाइव आई एम लाइव आई एम लाइव 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 फटाफट से मुझे वीडियो को लाइक करके बता दो क्या सभी लोग यहाँ पे पूरे जोश में हैं कि नहीं है क्या तुम लोग के साथ भी ऐसा कभी होता है क्या यार फॉर एग्जांपल आई वाज जस्ट लाइक वर्किंग टुडे एंड लाइक अराउंड फाइव थर्टी फाइव फोर्टी फाइव अच्छा खासा का काम कर रही थी एंड आई एम रियली वर्किंग हार्ड इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट वर्किंग हार समिंग बट साढ़े पाँच बजे एक अलग सा ही डर अपने आप आ गया कि पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ में जो कर रही हूँ वो सब सही है कि नहीं है क्या ये मुझे उतना दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा दूसरी चीज और लोग तो ये कर रहे हैं लाइफ में और लोग तो इतनी मेहनत करते हैं उनको तो ऐसा हो जाता है उनकी लाइफ तो ऐसी है आई एम वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट आई एम डूइंग दिस तुम लोगों को कभी ऐसा होता है क्या उसके बाद कि ठीक है मतलब let's, लेट्स जस्ट स्लीप दैट्स द ओनली सोल्यूशन मे बी उसके बाद आई एंड फील बेटर और समथिंग तो आई डिसाइडेड टू स्लीप इंस्टेंट सो या आई डोंट नो एंड अभी भी मैंने वो कब तो मूड ख़राब सा लग रहा था तो मैंने गाने वाने चलाए न नहीं तो अटकी ठीक है जैसे ही मैं लाइव आऊँगी तुम लोगों के साथ मुझे पता ही है कि तुम लोग कर ही दोगे ठीक कर ही दोगे थोड़ा सा पुष्ट दे ही दोगे बिकॉज आई एम आई एम लाइक लिटरली थोड़ा सा डोंट हैव टाइम फॉर for सेल्फ बहुत बार तो ऐसा लगता है कि पता ही नहीं चल रहा है कि दिन कब शुरू हो रहा है खत्म हो रहा है बस जाए जा रहा है लाइफ जाए जा रहा है एक दो साल होता ठीक था जब नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे पर अब तो बहुत ज़्यादा ही लगने लग गया एनीवेज़ आई गेस इट विल बी वर्थ इट एंड आई गेस आई एम एडिंग सम वैल्यूज इन सम लाइफ सो या इट विल बी वर्थ इट ठीक है यार आ स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस जोश के साथ स्टार्ट करते हैं ढाई घंटे के आसपास अपने कोई चैप्टर में लगेंगे दो प्लस आवर्स लगेंगे नौ से नौ नौ के आस पास तो हो जाएंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करते करते सो आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक द से हम लोग इतना चार घंटे ये नोट बनाने में लगते हैं And I guess आप इतना तो कर ही सकते हो चार से पांच घंटे नोट बनाते हैं ढाई घंटा बैठ के मतलब सिक्स आवर्स जस्ट आप लोगों के काम के लिए आई गेस वन लाइक जस्ट वन लाइक वी डिजर्व इट राइड सो so, स्टार्ट uh, start करते हैं यार अपने लेक्चर के साथ दैट इज फोटो Uh, कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी प्लीज उन चीजों को ध्यान से सुनिएगा mm. चीज नंबर वन अपने पास यहाँ पर क्या है इस सेशन के अंदर मैं एनसीईआरटी इंक्लूड नहीं कर रही होंगी mm. हर चैप्टर में मैं एनसीईआरटी इंक्लूड करती हूँ करूंगी लेकिन इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी इंक्लूड नहीं करूंगी पॉइंट नंबर वन अपने पास ये है क्योंकि इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी अगर तुम पढ़ोगे एकदम ना रामायण लिख रखी है कंसेप्चुअल चीजें याद करने की चीजें वो चीजें कम है रामायण बहुत ज्यादा गाथाएं बहुत ज्यादा लिख रखी है इस चैप्टर को बिना बात बहुत ज्यादा लंबा बना रखा है तो इसीलिए इस चैप्टर की एनसीआर एंड आई गेस ट्रांसपोर्ट वाली ये दो एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ेंगे बट ट्रस्ट मी एनसीईआरटी का हर सिंगल पॉइंट कवर कर रहे होंगे मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को एक और पीडीएफ शेयर करी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है रक्षिता सिंह से ठीक है वहां पर मैंने एक पीडीएफ शेयर करी है जिसके अंदर मैंने 7वें एनसीईआरटी इंक्लूड कर दी है बट यहां हम एनसीईआरटी नहीं करेंगे ठीक है क्या सभी स्टूडेंट्स को जोश है क्या मैं स्टार्ट कर दू क्या पूरे जोश के साथ इन चीजों को स्टार्ट कर दें हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं आज का चैप्टर दैट इज फोटो स्टार्ट कर दे जी स्टार्ट कर दें

लेकिन जरा भी कम नहीं पढ़ना चाहिए और नोट किसी को नहीं बनाने आँख कान खोल के सामने एनसीआरटी रख के इस लेक्चर को अटेंड करो तुमको मजा आ जाएगा या तुम सभी स्टूडेंट्स को पत, तुम सभी लोगों को पता है दो तरीके के लोग अपने पास होते हैं एक वो होते हैं जो मोदी जी की बात पूरे अच्छे से मानते हैं आत्मनिर्भर बनते हैं मतलब अपना खुद का फूड खुद ही सिंथेसाइज फूड नहीं फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं और दूसरे हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं जो हमारे पास इन्होंने जो खाना बना दिया वो खाना खा लेते हैं आप सभी को पता है खाना कौन बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं कैसे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं खाना खाते कौन है एनिमल्स

अब मम्मा खाना बनाती रहेगी बनाती रहेगी खाने वाला कोई होगा ही नहीं तो कैसे काम चलेगा तो खाना खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे बुरा मत समझना कि हम तो कुछ करते ही नहीं है करते हो तुम्हारा काम भी इंपॉर्टेंट है एक होता है ऑटोट्रॉप्स दूसरा होता है अपना खुद का फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं हेट्रोट्रॉप क्या करते हैं जो ऑटोट्रॉप्स ने खाना बना दिया उसको लेते हैं बचपन में पढ़ा था ग्रीन प्लांट्स एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स खाना कैसे बनाया जाता है हमारे पास सन सन पेड़ के ऊपर आकर सन लाइट हमारे पास डालता है उस सन लाइट को फूड में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा मतलब जो मेरी सन लाइट की एनर्जी थी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है आई होप ये पेज सभी स्टूडेंट्स को याद है इससे पहले रेस्पायरेशन चैप्टर भी आपने मुझसे पढ़ा होगा

फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स अब अब सभी स्टूडेंट्स को इतनी बात तो समझ में आ गई कि फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को मतलब एक फिजिकल फॉर्म को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो क्या इसे मैं एक फिजिको केमिकल प्रोसेस कह सकती हूं एक फिजिकल फॉर्म को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी केमिकल बोले तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो फोटोसिंथेसिस

वो एनर्जी मुझे आए ठीक है हो जाता है कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है भाई कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है तुम वहां बैठ के ध्यान से सुन रहे होगे ना मुझे सुनाई देगी वो चीज ठीक है आई नो आई एम बींग लाइक वेरी बहुत ज्यादा

वो ऑक्सीजन को भी किस प्रोसेस से रिलीज किया जाता है हमारा खाना भी फोटोसिंथेसिस से बनता है और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ना वो भी फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ही बनती है तो मेरे पास फोटोसिंथेसिस क्या हो गया फोटोसिंथेसिस खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बनाएगा ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जो लाइट एनर्जी को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करती है और फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए क्या क्या चाहिए लाइट चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड हरे भरे पत्ते हरे भरे पत्तों में ऐसा क्या है उनमें क्लोरोफिल है उनमें क्या है उनमें क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल हमारी वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है वहां पर अपनी फोटोसिंथेसिस करवाई जाती है तो मेरे पास क्या मैं इस पेज को रिवाइज करके आगे बढ़ जाऊं सबसे पहले मेरे को बता दो फोटोसिंथेसिस क्या है फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है लाइट एनर्जी को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है क्या हमारे वर्ल्ड का जितना भी खाना है वो फोटोसिंथेसिस से बन रहा है हाँ बन रहा है क्या हमारी ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस से आ रही है हाँ आ रही है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है लाइट CO2 टू एंड क्लोरोफिल दैट इज ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ एम आई वेरी क्लियर अबाउट इट क्या ये पेज सबको याद फोटोसिंथेसिस फिजिको केमिकल प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या बनाती है फूड एंड ऑक्सीजन क्या क्या जरूरी है लाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरो तो अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में यहां पर मैं बात करूंगी एक्सपेरिमेंट नंबर वन स्टार्च फॉर्मेशन दो तीन चार पांच छत सात एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अब मैं वन बाय वन करके बात करूंगी यहां पे तुमको इनके बारे में किसी के बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हीं को अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं लेकिन डिटेल में डिस्कस करने के बाद हम वापस इस चार्ट पे आएंगे और इस चार्ट से फिर पूरा रिवाइज करेंगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात अपने पास स्टार्च फॉर्मेशन क्या था स्टार्च फॉर्मेशन में सुनो हमारे पास एक पत्ता हमने कैसा ले लिया एक पत्ता हमने ले लिया वेराइगेटेड लीफ मैंने वेराइगेटेड का मतलब गूगल करा क्योंकि मुझे पता था बहुत बच्चे पूछेंगे तो दैट इज सम कलरफुल एक कलरफुल पत्ता अपन ने ले लिया और दूसरे पत्ते को क्या कर दिया मैंने ब्लैक पेपर से मैंने क्या कर दिया ब्लैक पेपर से उस पत्ते को पार्शियली कवर कर दिया आधा रहने दिया और आधा क्या कर दिया कवर कर दिया अब कॉमन सेंस है जब हमारे पास इन दोनों के ऊपर लाइट बनेगी तो कहां पर खाना बनेगा कहाँ पर स्टार्च की फॉर्मेशन होगी इस पत्ते में इस पत्ते में जहां जहां ग्रीन पोर्शन जहां जहां लाइट पड़ रही है वहीं पर अपने खाने की अपनी स्टार्च की फॉर्मेशन होगी क्या ये एकदम कॉमन सेंस की बात है क्या अगर इस एक्सपेरिमेंट से कोई क्वेश्चन में घुमा के पूछ लू क्या सभी स्टूडेंट्स आंसर कर पाएंगे मैं फिर से बोलती हूँ मेरे पास एक वेराइगेटेड लीफ था दूसरा मेरे पास पार्शियली कलर्ड लीफ था अब इसको पार्शली कवर किससे कर दिया ब्लैक पेपर से कर दिया इन दोनों के ऊपर लाइट पड़वा कर देखी तो मेरे पास स्टार्च की फॉर्मेशन पर होगी जाहां जाहां ग्रीन पार्ट होगा इसका मतलब फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस ओनली अकर्स इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द वेरी क्लियर अबाउट इट तो क्या अब मैं स्टार्च फॉर्मेशन वाला एक्सपेरिमेंट तुमसे पूछूंगी तो पूछते ही तुम्हारे दिमाग में तुम फटाफट बोलोगे वेरीगेटेड लीफ एंड पार्शियली कवर्ड लीफ वेरीगेटेड लीफ के अंदर अपने पास यहां पर क्या हुआ था वेरीगेटेड लीफ के अंदर हमारे पास यहां पर वहां बनी थी एंड दूसरा पार्शियली कवर्ड था जहां पर कवर्ड था वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई वहां पर फूड नहीं बना वहां पर स्टार्च नहीं बना सिर्फ कहां पर बनता है जहां-जहां पर ग्रीनरी होगी हरियाली होगी जिन लोगों की जिंदगी में हरे-भरे लोग हैं वहीं पर अपने पास बनता है ठोक दो लाइक याद हो गया है तो याद हो गया चलो जी अब मैं चलती हूं पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 2 में मैंने क्या करा यहां पर डाला एक के ओ एच सोक्ड कॉटन के ओ एच कॉटन क्या करती है ये ये सीओ टू को एब्जॉर्ब कर लेती है सुनना आप ध्यान से मैं क्या हूं मान लो मैं के ओ एच हूं अब इस कमरे में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड आकर मुझ पर चिपक जाएगी तो अब मान लो तुमने एक पत्ता लिया उस पत्ते को आधा तो डाला मेरे वाले कमरे में और आधा तुमने क्या रखा रखा आधा तुमने रखा बाहर अब सनलाइट अब सनलाइट सनलाइट गिरवाई गिरवाई तो देखा कि इस आधे पार्ट में तो खाना बन गया इस आधे पार्ट में तो स्टार्च बन गया लेकिन इस आधे पार्ट में स्टार्च नहीं बना इसका मतलब सोग्ड मतलब भीगा हुआ सोग्ड मतलब भीगा हुआ KOH में भीगा हुआ कॉटन ठीक है तो अब जो हमारे पास मैथी जो KOH सोक्ड द कॉटन थी वहां पर स्टार्च नहीं बना उस हाफ में स्टार्च नहीं बना क्यों क्योंकि सारी कार्बन डाइऑक्साइड सारी कार्बन डाइऑक्साइड तो मैंने चिपका ली अपने इस पत्ते भैया को उस पत्ते भैया को कोई कार्बन डाइऑक्साइड मिली क्या कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली तो फोटो भी नहीं हुई इससे प्रूव होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होती है क्या जरूरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होती है तो मेरे पास क्या हुआ अब अगर मैं तुमसे कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सपेरिमेंट पूछूंगी तो क्या कहते ही तुमको के ओ एच क्या कार्बन डाइऑक्साइड कहते ही मैं तुमको याद आऊंगी मैंने क्या कर लिया था मैंने सारी कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ले वन हमने क्या किया एक वेराइगेटेड लीफ लिया दूसरा पार्शली कवर्ड लीफ लिया उन पे फोटोसिंथेसिस करवा के देखी और स्टार्च की फॉर्मेशन सिर्फ वहीं पर हुई जहां पर ग्रीन पार्ट थे दूसरा मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ दूसरा मेरे पास मैंने एक हाफ को ऊपर रखा एक हाफ को अंदर रखा जहां पर CO2 नहीं है CO2 क्यों नहीं है क्योंकि KOH ने सारी CO2 खुद से चिपका ली तो जो हाफ ऊपर था उसमें तो स्टार्च बन गया जो हाफ नीचे था उसमें स्टार्च नहीं बना तो इससे प्रूव हो गया कि हमारे पास यहां पर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ असेंशियल क्या ये दोनों सभी स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट्स याद फटाफट से बोलो फटाफट मैंने पूरा दम लगा दिया मेरे अंदर खत्म हो जाए ऐसे पूरा जोश दिखाओ तुम लोग भी ये और नो हाँ ना बोलो स्टार्च वाला याद चलो ठीक है जी अब आगे बढ़ जाते हैं अपने पास जोसेफ प्रिस्ले मैं तुमको एक लाइन बोलूंगी उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे इसके नाम का ना सारे साइंटिस्ट के नाम का पोस्टमार्टम करेंगे आज डॉक्टर वाली फील लेंगे डॉक्टर वाली फील डॉक्टर वैसे तुम अभी बने हो नहीं बने हो लेकिन आज पोस्टमार्टम करना तुमको जरूर सिखाऊंगी चलो तुमको पोस्टमार्टम करना सिखाते हैं क्या होता है पोस्टमार्टम के अंदर देखिए सबसे पहले ऐसे बाजू में टांग लेनी होती है टांगली बाजू हैं दीदी आज तो कम से कम कुर्ती पहन के आई हो आज तो लड़कियों की तरह बिहेव करो आई मे टॉम बॉय ठीक है क्या हो गया आपने पास यहाँ पर सुनो मेरे पास यहाँ पर क्या है जोसेफ प्रिसले जोसेफ प्रिसले नाम से बोल रहा है पीसले क्या बोल रहा है नाम से नाम इसके नाम का पोस्टमार्टम केस का नाम बोल रहा है पीसले मतलब इसकी जिंदगी में खुद में तो खुशी है नहीं है दूसरों को भी अपने साथ पीसता रहता है दूसरों की जिंदगी में भी दिक्कत करके बैठा है दूसरों को भी अपने साथ पीस रहा है कैसे पीस रहा है दीदी सुनो 1733 से लेके एटीन जीरो फोर तक ये भैया जिंदा रहे थे और 1770 में इन्होंने सबसे पहला अपना एक्सपेरिमेंट किया क्या एक्सपेरिमेंट किया इनकी खुद की जिंदगी में कुछ हो नहीं पा रहा था तो इन्होंने सोचा माउस के साथ कुछ करते हैं तो इसने माउस लिया माउस लिया और इसकी जिंदगी में खुद उजाला नहीं था तो माउस को बोला ले तू इस डब्बे में रह ये जालिम दुनिया तू इस डब्बे में रह और ये कैंडल भी रख अपने साथ उजाला रहेगा तेरी जिंदगी में लेकिन उन्होंने उनों दे, उन्होंने देखा कि ये जो क्लोज स्पेस था और जो बर्निंग कैंडल अपने पास यहां पर थी वो कुछ देर बाद दोनों ही खत्म अपना चूहा भी मर गया और अपनी कैंडल भी बुझ गई अपना चूहा भी मर गया अपनी कैंडल भी बुझ गई क्लोज स्पेस में उसने कहा ऐसा क्या हुआ मैं ये कमरा बंद करके गया था क्या इस कमरे में भी ये माउस जिंदा नहीं रह पाया बाहर की जालिम दुनिया और अंदर भी दिक्कत क्या ये दोनों ने यहां पर हवा नहीं बची क्या यहां भी ये सांस नहीं ले पाए बाहर तो ले ही नहीं पाते हम क्या ये अंदर भी सांस नहीं ले पाए क्या बर्निंग कैंडल और एनिमल इस एयर को डैमेज कर देते हैं पहली बात तो आर आई पी फॉर माई माउस फटाफट सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आर आई पी आज लेक्चर खत्म होने से पहले माउस के लिए सभी स्टूडेंट्स दो मिनट का मोन रखेंगे बाद में याद दिलवाइएगा ठीक है चलो अभी तो पढ़ लेते हैं लेकिन तो हमारे पास यहां पर क्या हुआ हमारे पास यहां पर उसने एक पहली बार क्या किया उसने माउस को कैंडल के साथ एक क्लोज्ड स्पेस में रख दिया और देखा थोड़ी देर बाद कैंडल भी बुझ गई और माउस की जिंदगी भी बुझ गई फिर क्या हुआ उसने सोचा नहीं, नहीं हरियाली तो बहुत जरूरी है जिंदगी में इसीलिए बोलते हैं इसीलिए लड़के देखने जाते हैं लड़कियों को गर्ल्स हॉस्टल के गर्ल्स स्कूल के बाहर लड़के इसीलिए होते हैं क्योंकि हरियाली देखनी बहुत जरूरी है यार जब अपने माउस को सिर्फ कहा कि तेरी जिंदगी में उजाला रखेंगे सिर्फ उजाले के साथ रखा तो आ, 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 माउस का उजाला हो गया लेकिन जब अपने माउस को हरियाली हमने रखी तो उसकी जिंदगी में उजाला भी रहा और वो खुद भी जिंदा रहा तो इसका मतलब जो हरियाली होती है जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं एयर को रिस्टोर कर देते हैं इसका मतलब जो हमारे जोसेफ प्रिस्ले हैं उन्होंने बोला कि एयर तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एयर तो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है किसमें प्लांट ग्रोथ में भैया को अभी भी माउस की याद आई नहीं भैया को माउस की याद नहीं आ रही कि एयर माउस के लिए भी जरूरी है नहीं नहीं उनको प्लांट फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट था तो वो कहते हैं रोल ऑफ एयर इन प्लांट ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज

हो गया लेकिन जब उसमें एक हरियाली लगा दी तो दोनों जिंदा रहे और जिंदा किस लिए रहे क्योंकि ये हमको क्या देते हैं ओटू देते हैं तो चार साल बाद प्रिसले की आंखें खुली और उन्होंने कहा गाइज एयर नहीं ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो पहले एयर का रोल भी उन्होंने बताया फिर एयर का बताया ही था तो एयर में ढूंढ के ऑक्सीजन कितना मुश्किल था तो एयर में ऑक्सीजन में डाल दिया क्या सभी स्टूडेंट्स को जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट याद क्या सभी स्टूडेंट्स को जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट याद आर आई पी करना बंद करोगे चप्पल मारूंगी तुमको तो हमारे अरे कोई प्लांट लगा दो आधे लोग पूछे वॉट प्लांट वॉज दिस थप्पड़ मरेंगे तुम्हारा कोई प्लांट लगा दे सब प्लांट सेम ही होते हैं गधे बच्चे हैं एकदम माचना है बस इनको वहां पे बैठ के से व्हाट प्लांट वाज दिस जोसेफ प्रिस्ले तो जोसेफ प्रिस्ले ने 1770 में रोल ऑफ एयर इन प्लांट ग्रोथ बताया उन्होंने माउस को कैंडल के साथ एक क्लोज स्पेस में रखा तो दोनों मर गए और दूसरी बार हमने उसको प्लांट के साथ रखाया तो दोनों जिंदा रहे और 1774 में उन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी कर दी अब आगे बढ़ जाते हैं जैन इंजन हाउस फिर से करते हैं इसका नाम का पोस्टमार्टम फिर से इसके नाम का पोस्टमार्टम करते हैं वैसे याद करना है कर लो मिंट का पौधा लगाया आपने भैया ने लेकिन कोई पौधा लगा लो कोई पौधा लगा लो डेट याद नहीं होती डेट पे जाना बड़ा याद रहता है बेटा डेट याद नहीं होती तेरे को है डेट पे जाना बड़ा याद रहता है एक लड़की पूछेगी ना यहाँ पे डेट पे चलेगा हाँ हाँ बिल्कुल चलूंगा हाँ, बड़े माजते हैं तुम लोग हैं ठीक है अगला देखो अगला आपने पास यहाँ पर क्या था हमारे पास यहाँ पर अब है जा, ज, इंजन हाउस इसका फिर से पोस्टमार्टम करते हैं क्या बोल रहा है इंजन हाूस। हाूस। इंजन हाउस हाउस की सीटी में मारो बम डोल है तो इसका हाउस है इसका हाउस है इसके हाउस में स्विमिंग पूल है इसके वहां पे सब कुछ है तो इसने क्या किया अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो अब स्विमिंग पूल है इसके घर में तो क्या एक्वाटिक प्लांट के बारे में बात करेंगे इसका हाउस है तो स्विमिंग पूल हो तो होगा ही तो एक्वाटिक प्लांट के बारे में यहाँ पर अपन बात करेंगे तो इसने एक बार आ, अपने स्विमिंग पूल में नहाया और वहां पे साइड में होता है ना वो बिकनी पैन के लेटा रहता है तो एक बार तो बिकनी पैन के ब्राइट सनलाइट में वहां पर अपने प्लांट को लेटा दिया फिर एक बार लाइट में लाके लिटाया तो जो है ही प्लांट वो डार्क में वहां पर उसने कोई बबल्स नहीं बनाए लेकिन जब उसने प्लांट को ब्राइट सनलाइट में लगाया तो वहां पर बबल्स बनने स्टार्ट हो गए जैन इंजन हाउस कहते ही तुमको हाउस से कुछ याद रखना है और इंजन से याद रखना है तो हाउस कहते ही तो तुमको क्या याद आना चाहिए स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल मतलब एक्वाटिक प्लांट एक्वेटिक प्लांट डार्क में तो कोई बबल्स नहीं बने लेकिन जैसे ही सनलाइट में रखा तो इंजन चल गया बबल्स बनने स्टार्ट हो गए और कहा पर बबल्स बनने स्टार्ट होंगे ग्रीन पार्ट के पास बबल बनने स्टार्ट होंगे दीदी किस चीज के बबल बन रहे हैं अरे जब वो सनलाइट में गया तो उसको सांस में सांस आया ऑक्सीजन आई तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन सिर्फ ग्रीन पार्ट्स के आसपास वो बबल सिर्फ ग्रीन पार्ट्स के आसपास ही बन रहे हैं ये ग्रीन पार्ट है।, है इसके आसपास ही बबल बन रहे हैं ये बबल किस चीज के हैं ये बबल ऑक्सीजन के अपने पास यहाँ पर है तो इसने बोला कि सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ही ऑक्सीजन रिलीज करते सिर्फ ग्रीन ही क्या करते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं क्या सभी लोगों को प्रिस्ले कहते ही पीसले याद आएगा किसको पीसना है अपने बेचारे माउस को पीसना है दूसरा अपने पास क्या है जैन इंजन हाउस इंजन हाउस हाउस कहते ही स्विमिंग पूल एक्वाटिक प्लांट और हमारे पास उसमें इंजन कहते ही इंजन इंजन चल गया बबल बनने स्टार्ट हो गए पर ग्रीन पार्ट में सनलाइट के अंदर डार्क में बबल नहीं बने और किस चीज के बबल बन रहे थे ऑक्सीजन के बन रहे थे सो तो ग्रीन पार्ट कैन रिलीज ओ क्या सभी लोगों को क्या सभी लोगों को याद हो गया क्या सभी लोगों को याद हो गया आगे बढ़ जाऊं? चलो जी फिफ्थ एक्सपेरिमेंट पे बढ़ जाते हैं जूलियस वॉन सैक्स 1854 में ये भैया अपने जीत गए जीत गए ये सांस ये कह रहा है ऑक्सीजन है ये कह रहा है एयर है हम कह रहे हो भाई ये क्या ऑक्सीजन एयर कह रहा है कुछ खाने वाने का देना ये जीत गया इसने फाइनली खाने के बारे में कुछ बोला और अपने को जिंदगी में क्या चाहिए अपने को फर्क पड़ता मतलब? तो है, है? खाने से। तो जूलियस सेक्स, दिस फेलो और ये अपना मिनरल न्यूट्रिशन में भी आते हैं ये भैया इफ यू रिमेंबर अभी पढ़ाएंगे मिनरल न्यूट्रिशन वहां करा देंगे तुमको को कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर क्या हुआ इसने एविडेंस दिया किसके लिए कि ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज ग्रीन पार्ट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है तो स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर रहता है कहां पर बनता है क्लोरोफिल क्लोरोफिल में और कौन सी बॉडीज में क्लोरोप्लास्ट में तो हमारे पास पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जहां पर अपना ग्लूकोज बनता है अपना स्टार्च बनता है क्लोरोप्लास्ट तुमको ऑलरेडी पता है क्लोरोफिल तुमको ऑलरेडी पता है ग्लूकोज तुमको ऑलरेडी पता है लेकिन ये सब डिस्कवर किसने किया जो भाई जीत गया जूलियस वॉन्सेक्स की जय हो बोलो सभी लोग बोलेंगे जूलियस वॉन सेक्स की जय हो तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया जूलियस वॉन सेक्स 1854 में इसने क्या किया ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट में जो स्पेशल बॉडीज होती हैं इनमें क्या होता है क्लोरोफिल यहाँ पर ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड अपने पास यहां पर होता है एम आई वेरी क्लियर अबाउट इट क्या सभी स्टूडेंट्स को याद हो गया फटाफट मुझे बोलेंगे

एंजल जो एंजल एंजल होती है एंजल ऐसे ऐसे निकालती है कि नहीं निकालती है यार याद करने का थोड़ी तो का बता रही हूँ और तुम लोग सुनता ही नहीं हो तो मेरे पास क्या है टी डब्ल्यू एंजल मैन अपना एंजल है एंजल है तो ऐसे लाइट को इल्यूमिनेट करेगा हाँ करेगा और ये फिजिक्स में कैसे करवाया जाता है एक लाइट को अगर प्रिज्म से पास कर दूं तो क्या वो विपग्योर में स्प्लिट हो जाती है क्या वो अपने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है हाँ हो जाती है और इसके सामने क्या किया इसके सामने हमारे पास एंजल मैन ने एक क्लेडोफोरा नाम की एलगी थी और उसके पास में रखती है काफी सारे एरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया वहीं पर भागेंगे जहां पर एरोबिक कंडीशन होगी मतलब जहां पर ऑक्सीजन वाली कंडीशन होगी और ब्लू लाइट एंड रेड लाइट के पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ये कहां पर पर हो हो गए ये हो गए ये किसके जहाँ ब्लू रीजन था एंड जहां पर रेड रीजन था मेरी बात ध्यान से सुनना हमको मेनली एक्सपेरिमेंट करवाना किनकी हेल्प से था हमको मेनली एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए थे अपने एरोबिक बैक्टीरिया लेकिन क्या उन एरोबिक बैक्टीरिया को खाना भी देना पड़ेगा तो हमने उसको खाना भी दे दिया ग्रीन क्लेडोफोरा तो यहाँ पर अपने जब एंजल मैन यहाँ पर अपनी एंजल का वो यहाँ पर प्रकाश दे रहे थे प्रिज्म के थ्रू तो क्लेडोफोरा हमारे पास यहाँ पर एक ग्रीन एलगी थी उसके आसपास क्या थे काफी सारे एरोबिक बैक्टीरिया वो कहाँ जाएंगे जहाँ ओ होगी और वो कहाँ एक्यूमुलेट हुए ब्लू एंड रेड लाइट के पास एक्यूमुलेट हो गए इसका मतलब वहां पर क्या होती है वहीं पर सबसे से ज्यादा ऑक्सीजन होती है क्या सभी स्टूडेंट्स को अपने एंजल भैया याद हो गए क्या सभी स्टूडेंट्स को एंजल मैन याद तो टी डब्ल्यू एंजल मैन उसमें से लाइट यहाँ पर पड़ी प्रिज्म ने उसमें काफी सारे हमारे पार्ट्स में यहाँ पर गई सामने रखा था क्लेडोफोरा उसके आसपास एरोबिक बैक्टीरिया थे जैसे ही लाइट आई लाइट आते ही ब्लू एंड रेड रीजन के पास चली गई क्योंकि वहीं पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है वहीं पर मैक्सिमम ऑक्सीजन बनती है जहां मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी क्या वहीं पर मैक्सिमम ऑक्सीजन बनेगी हाँ वहीं पर बनेगी क्या एंजल सबको याद तो क्या सभी लोगों को सबसे पहले जोसेफ प्रिस्ले प्रिस्ले कहते ही पीस ले किसको पीसा अपने बढ़िया से माउस को पीसा अगला है इंजन हाउस स्विमिंग पूल एक्वाटिक प्लांट एक बार ब्राइट सनलाइट में एक बार डार्क सनलाइट में जूलियस वॉन सेक्स यही बच्चा जय हो जीत गया ग्लूकोज की प्रोडक्शन क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट में एंजल मैन एंजल मैन कहते ही एंजल की यहाँ पर क्या निकलनी स्टार्ट होंगी स्पेक्ट्रल कॉम्पोनेंट्स निकलने स्टार्ट होंगे हमने एक अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक लास्ट अपने पास यहाँ पर बचा है वो ध्यान रखना बस क्या अपने पास यहाँ पर बचा है ध्यान से बाय मिड नाइनटीन सेंचुरी एक इम्पेरिकल फॉर्मूला सी ओ टू प्लस एच टू ओ जिस पे लाइट हमने यहाँ पर डाली तो वो सी एच टू ओ टू में कन्वर्ट हो गया और इसी को मैं बाद में सी ओ टू एच टू ओ सी सिक्स एच ओ सिक्स प्लस ओ टू लिखूंगी कल इसी को रेस्पायरेशन चैप्टर में मैं उल्टा करके लिख रही थी सी सिक्स एस टूल्व को इधर लिख रही थी ओ टू को प्लस में और सी टू एस टू को उधर दे रही थी हाँ ईयर्स इम्पोर्टेंट है याद रखना यार उनकी उम्र के उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उनके डिस्कवरी के हैं जैसे सेवनटीन सेवनटी एंड सेवनटीन सेवनटी फोर जैसे 17, and 17, अपने पास यहाँ पर थे ये ऑक्सीजन ठीक है बाकी 1854 हो गया इनकी उम्र के ईयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेना रिस्क मत लेना मैं बस यही बोलूंगी चलो तो मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ बाय मिड सेंचुरी ये हमने यहां पर दिया तो अब, कौन आए? अब आए हमारे भैया कॉर्नेलियस वैन नील इनका नाम बोल रहा है नील और तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मा तुम्हारी जो व्हाइट वाली शर्ट होती है ना उनमें डालती होगी नील क्या तुम्हारी मम्मा नील वील डालती है कि नहीं डालती है वो नील डालते हैं तो अब तुम खुद सोचो वो नील कैसे रंग का होता है ब्लू 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 सा कुछ होता है तो पर्पल और ग्रीन पर्पल और ग्रीन को मिला दो क्या वो ब्लू ब्लू कलर बनेगा क्या वो नील बन जाएगा तो हो गया तुमको एक्सपेरिमेंट का आइडिया अब तो नील भैया ने किस पर काम किया पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पर काम किया और उन्होंने शो किया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट होती है किस पे डिपेंडेंट होती है लाइट डिपेंडेंट होती है जो हमारा हाइड्रोजन है वो सीओ टू के साथ मिलके कार्बोहाइड्रेट कब बनाएगा जब लाइट हमारे पास वहां पर होगी तो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया नील कहते ही अपना उजाला याद आया हमको तो उजाला हम डालते हैं अपनी उनमें तो पर्पल एंड ग्रीन दोनों मिला के ब्लू ब्लू सा अपने पास बन गया तो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर काम किया और शो किया कि फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट होती है ये हो गया अपना लास्ट एक्सपेरिमेंट क्या सभी स्टूडेंट्स को मैंने तुमको बोला था मैं इस पेज पे वापस आऊंगी और फिर तुम मुझे बताओगे कि कितने स्टूडेंट्स को ये याद हो गए कि नहीं हो गए अब मैं पूछती हूँ वन बाय वन लास्ट बार रिवाइज करवाऊंगी सारे एक्सपेरिमेंट एंड इसके बाद जिंदगी में अगर कोई एक्सपेरिमेंट भूला अगर इसके बाद कोई बोला यहीं से फ्लाइंग चप्पल मुक्के घुसे सब आएंगे ध्यान से कान आंख नाक मुंह सब खोल लेना खोलो मुंह खोल के बैठो सभी लोग मुंह खोल के बैठेंगे ऐसे आ अब सुनो आंख भी खोलनी है नाक भी खोलना है मुंह भी खोलना है सब खोलना है सुनो जिसको जुखाम हुआ है उसका कोई इलाज नहीं है सुनना आप ध्यान से मेरे पास सबसे पहले स्टार्च का एक क्या लिया था वेराइगेटेड लीफ दूसरा क्या लिया था मेरे पास पार्शली कवर्ड लीफ दो लीफ मैंने यहाँ पर लिए थे कहां पर स्टार्च बना था जहां पर ग्रीन पार्ट्स थे स्टार्च फॉर्मेशन सबको याद सबको याद यस नो बोलते जाएंगे फटाफट फटाफट जोश में कमी नहीं दिखनी चाहिए दूसरा सीओ टू का रोल सीओ टू कहते ही मैं याद आती हूं मैं कार्बन डाइऑक्साइड पे झपटी मार के बैठ गई थी के ओ एच सोक्ड कॉटन आधा के ओ एच में डाला था आधा बाहर डाला था जहां पर केवल सौ कॉटन थी वहां पर चीजें नहीं हो पाई क्या सीओ टू का रोल भी सबको याद हो गया इसके बाद आता है जोसेफ प्रिस्ले जोसेफ प्रिस्ले बोले तो पीस्ले किसको पीसा अपने माउस को पीसा कैंडल के साथ क्लोज इजार में जाला दोनों के दोनों राम नाम सत्य है आर आई पी टू बोत ऑफ देम लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी में हरियाली आई तो दोनों जिंदा रहे इसका मतलब एयर जरूरी होती है और सेवनटीन में उसमें भी बता ऑक्सीजन होती है अपनाता है इंजन हाउस हाउस कहते ही घर घर कहते ही स्विमिंग पूल क्या स्विमिंग पूल के अंदर हम सभी स्टूडेंट्स के पास क्या हम सभी स्टूडेंट्स के पास स्विमिंग पूल के अंदर एक बार हम सनलाइट में बैठे थे और एक बार बिना सनलाइट के बैठे थे हाँ बैठे थे सनलाइट में बैठे थे स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल में बबल बनेंगे हाँ बबल बनेंगे और कहाँ पर बनेंगे जो ग्रीन पार्ट्स होंगे वहां पर बनेंगे किसकी वजह से ऑक्सीजन की वजह से क्या हो गया सबको याद हो गया जूलियस मॉन्सैक्स यही तो जीता है इसी ने तो ग्लूकोज स्टार्च हमारा बनवाया है कहां पर क्लोरोप्लास्ट में किसकी हेल्प से क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से अगला आया एंजलमैन एंजलमैन कहते ही क्या सभी लोगों को यहां से मेरी निकलती हुई रेज नजर आ रही है मेरा यहाँ पर सब कुछ नजर आ रहा है हाँ आ रहा है तो अपने पास यहाँ पर क्या अलग अलग स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स बन गए हाँ बन गए तो अब क्या होगा जो हमारे पास क्लेडोफोरा के आसपास एरोबिक बैक्टीरिया थे वो रेड एंड हमारे पास कौन सी जगह पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे फटाफट इन द कमेंट सेक्शन रेड एंड ब्लू फाइनली अपने पास बचा हमारा कार्नेलियस कार, वैनिल नील नील बोले तो अपना नील अपना उजाला पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया वो कहां पर एक्युमुलेट हो रहे थे कहां पर तुमको कुछ समझ आ रहा है हम हम मतलब ऐसे ही भोगे जा रही हूँ भोके जा रही हूँ भोके जा रही हूं सॉरी सो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया अपने पास थे वो फोटो लाइट का जरूरत है ये शो किया था ठीक है सारा सबको याद हो गया या क्या ठीक है इसके बाद एक एक चीज मुझे बताना एक चीज मुझे बताना अगर मैं तुमसे पूछूं अगर मैं तुमसे पूछूं तुमको सांस लेने के लिए सांस लेने के लिए तुमको ऑक्सीजन बनवानी है तुमको सांस लेने के लिए क्या बनवानी है तुमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनवानी है ठीक है सांस लेने के लिए अगर तुमको ऑक्सीजन बनवानी है तुम कार्बन डाइऑक्साइड से बनवाना चाहोगे क्या तुम जो गैस छोड़ते हो सी ओ टू छोड़ते हो तुम उससे अपनी ऑक्सीजन वो सी ओ टू वही अंदर लेना चाहोगे क्या वही सी ओ टू बनवाना चाहोगे या मैं तुमको कहूँ अपने शुद्ध पानी से बनवाओ बोलो किससे बनवाना चाहोगे सीओ टू से बनवाना चाहोगे कि एच टू ओ से बनवाना चाहोगे तो मेरे को खुद बता दो सीओ टू से बनवाना चाहोगे एच से सब बोलेंगे एच से बस वही होता है एच इज द हाइड्रोजन डोनर एंड दिस ऑक्सीडाइजेस 2, 2 मतलब हमारा जो ये रिएक्शन होता है 6 CO2 plus 12 H2O इंदा प्रेजेंस ऑफ लाइट विल गिव C6H12O6 plus 6 H2O plus 6 CO6 O2 तो जो ये O2 है ये O2 कहाँ से आई है ये O2 H2O से आई है कहाँ से आई है h2o से कई बार हमारे जो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है उनमें सल्फर है उनमें ऑक्सीजन है ही नहीं तो उनके अंदर क्या होगा उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं उनके अंदर यहां पर उनमें ऑक्सीजन नहीं होगी उनमें यहां पर h2s तो अगर मैं पूछूं s कहां से आई तो s h2s से आई क्योंकि उनके पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं ना तो दो केसेस अपने पास हो सकते हैं एक तो अगर h2o है जो हमारे पास ग्रीन प्लांट्स में नॉर्मली होता है तो एच टू ओ ने क्या बनाया O2 बनाया। तो हमारे पास जो ओ टू है वो किससे बनती है एच टू ओ से बनती है और अगर एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो तो वहां पर क्या होगा वहां पर सल्फर होगा क्योंकि वहां पर एच टू ओ नहीं एच टू एस है एच टू ओ ने बनाई थी ओ टू एच टू एस बनाएगा सल्फर क्या सभी स्टूडेंट्स को इतना याद हो, या। तो हमारे पास जो ये एक्सपेरिमेंट होता है ये H2O ने इस H2O ने बनाया है ये O2 ये याद रखना अगर इसकी जगह पे ग्रीन एंड सल्फर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का केस होता तो H2S होता उससे बनता सल्फर क्या यहां तक सभी को याद डन डन ठीक है तो मुझे बताओ जो ये फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में बके जा रही हूं ये हो कहा रही है ये कहा हो रही है ये हो रही है ग्रीन लीफ में पता है तुमको सबको पता है मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है ग्रीन लीफ में भी कहां पर मीजोफिल सेल्स में और मीजोफिल सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट तो मेरे पास यहां पर क्या है मेरे पास ये मेरा ग्रीन लीफ है इस ग्रीन लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है इस ग्रीन लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट जिसमें एक पिगमेंट होता है उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। उसकी वजह से क्या होती है ये फोटोसिंथेसिस होती है ठीक है अच्छा अब एक चीज तुमको बताती हूं मीजोफिल मीजोफिल ग्रीन पार्ट में मीजोफिल मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट उसमें पिगमेंट क्लोरोफिल अब मेरे को एक बात बताओ। एक बात बात बताओ बताते जाना मान लो, मान लो लो क्या हो मान लो, धूप कम पड़ रही है तुम मेरे को सर्दियों का गर्मियों का एग्जाम्पल लेती हो पढ़ाई लिखाई छोड़ते हैं बहुत ठंड पड़ रही है ठंड की बात करते हैं ये फोटोसिंथेसिस पो, पढ़ के किसका भला हुआ है जो तुम्हारा होगा छोड़ो पढ़ाई लिखाई अपन बात करते हैं ठंड की

पड़े रहते हो समर हो जाए तो ओ, क्या सीधे खड़े रहते हो कभी ऐसे पड़े हो जाके धूप में गर्मियों में धूप में ऐसे जाके पड़े हो नहीं ऐसे काली हो जाऊंगी और टैनिंग हो जाएगी सनस्क्रीन भी नहीं लगाई आज तो क्या रहते हो परपेंडिकुलर रहते हो क्या रहते हो कि नहीं रहते हो हाँ तो ऐसे ही मीजोफिल सेल में अगर लाइट इंटेंसिटी कम हो लाइट कम है सर्दियों का मौसम है तो लाइट तो कम आ रही है तो क्या करते हैं क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट पैर फैला के लेट जाते हैं किसमें होते हैं ये ये होते हैं सेल में पैर फैला के लेट जाते हैं ताकि मैक्सिमम धूप इनको मिल सके तो दीज विल बी पैरल टू दीजो सेल्स दूसरा जब इंटेंसिटी लाइट की हाई हो तो कहीं हम काले ना हो जाएं उनके अंदर होता है फोटो ऑक्सीडेशन फोटो ऑक्सीडेशन तो कहीं फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए का कुछ हमारे पास ऑक्सीडेशन ज्यादा ना हो जाए तो क्या होगा परपेंडिकुलर और एनसीआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन इस कंडीशन को कहा जाता है एपिस्ट्रॉप स्ट्रॉप और इस कंडीशन को कहा जाता है पैरा स्ट्रॉप दिस इज नॉट एट ऑल मेंशन इन एनसीआरटी बट इफ यू वांट टू लर्न यू कैन ठीक है तो ये चीजें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है एपिस्ट्रोप एंड पैरास्ट्रोप लेकिन ये कंडीशन और ये कंडीशन मेंशनड है इन कंडीशन का नाम क्या होता है वो नाम मेंशन नहीं है मैंने आपको बता दिया तो आपको मैंने क्या ये पेज सभी स्टूडेंट्स को याद करवा दिया क्या सभी स्टूडेंट्स को याद करवा दिया सुनो मेरी बात हमारे पास ग्रीन लीफ है उसमें मीजोफिल सेल है मीजोफिल सेल में क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट किस तरीके से अरेंज्ड होगा वो लाइट पर डिपेंड करता है अगर सर्दियां हैं अगर लो लाइट कंडीशन है तो वो पैरेलली पड़ा होगा पैरेलली पड़ा होगा लेकिन अगर लाइट कंडीशन हाई है तो फोटोऑक्सीडेशन से बचने के लिए वो कैसे होगा परपेंडिकुलर होगा क्या चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस थी कि नहीं थी अगर थी तो सभी लोग दो मिनट वेट करेंगे मैं अभी आती हूं पानी लेके आ रही हूं कैमरा ठीक है अब थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के अंदर झांक के देखें झाक के देखे झाकते हैं क्या था मेरे पास मेरे ग्रीन प्लांट मैं बहुत मस्त तरीके से तुमको याद करवाऊंगी बहुत मस्त तरीके से देखते जाना मेरे पास क्या ग्रीन प्लांट ग्रीन प्लांट में कौन से सेल होते हैं मीजोफिल सेल मीजोफिल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल में क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट ठीक है अब मैं उस क्लोरोप्लास्ट का डिटेल्ड स्ट्रक्चर यहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को दिखाने जा रही हूं सबसे पहली बात तो यह याद रखना कि इसके अंदर एक बहुत क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होता है क्लोरोप्लास्ट में सबने अपना काम बहुत अच्छे से बांट रखा है क्लोरोप्लास्ट में सबने अपना काम बहुत अच्छे से बांट रखा है They have a very clear division of अब सुनो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक बात बताऊं, जो चीज पूरे डब्बे में भरी होती है पूरे डब्बे में भरी होती है क्या उसका नाम स्ट्रोमा होता है स्ट्रोमा स्ट्रोमा क्या उसका नाम स्ट्रोमा होता है जो पूरे पूरे उसमें फैली होती है तो जो इसके अंदर अपने पास यहां पे ऐसे पूरी फैली हुई है ना ये ये पूरा जो अंदर फैला हुआ है अपना ये लिक्विड अंदर का सब्सटेंस इसका नाम होता है स्ट्रोमा क्या सभी स्टूडेंट्स को स्ट्रोमा याद हो गया हो गया इसके बाद अपनी अब दादी अम्मा अपनी ग्रैनी अपनी ग्रैनी सारा दिन ऐसे चौकड़ी मार के बैठी रहती है उल्टी फुल्टी, तो थोड़ी बूढ़ी तो हो ही जाती है तो ऐसे ऐसे होके ग्रैनी ऐसे मुड़ मुड़ पुड़ के पूरी चौकड़ी मार के बैठी रहती है तो ये क्या हो गया अपने पास यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रहना क्या हो गया ग्रैना पूरे डब्बे में क्या भरा हुआ है स्ट्रोमा चौकड़ी मार के ऐसे ऐसे उल्टा नीचे ऊपर नीचे होके कौन बैठा अपना ग्रैनी ये ये अपनी एक ये अपनी एक दोनो ग्रैनी दोनों ग्रैनी क्या इन दोनों ग्रैनी को क्या इन दोनों ग्रैनी को खुद एक दूसरे से मिलना है क्या इन दोनों ग्रैनी को एक एक दूसरे से मिलना है तो स्ट्रोमा में कुछ चीजें ऐसी होती हैं बीच में वो कहती हैं ले मिले तो स्ट्रोमा ग्रैना एंड उन दो ग्रैना के बीच में जो ये अपने पास है दैट इज स्ट्रोमा ले स्ट्रोमा ले मिले ग्रैना स्ट्रोमा स्ट्रोमा ले याद ग्रैना स्ट्रोमा स्ट्रोमा ले याद ठीक है सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन याद सबसे अंदर वाली उससे अंदर वाली मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन याद स्ट्रोमा लेमिले कौन होते हैं सबको पता है ग्रेना अपनी ग्रैनी सबको याद स्ट्रोमा जो पूरे उसमें फैला हुआ है सबको याद यहाँ स्टार्च पड़ा होगा लिपिड पड़ा होगा और राइबोसोम्स होंगे ये चीजें तो नॉर्मल सी चीजें हैं राइबोसोम स्टार्च ग्रैन्यूल्स लिपिड ड्रॉपलेट्स ये सबको याद है क्या तुम लोगों को सभी को क्लोरोप्लास्ट का पूरा डब्बा याद हो गया क्या सभी स्टूडेंट्स को क्लोरोप्लास्ट का डब्बा याद हो गया माई लैपटॉप इज नॉट इन नॉट चार्जिंग हो गया लग गया चार्जिंग पे ठीक है चलो जी हो गया क्लोरोप्लास्ट का सबको याद तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में बहुत क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होती है यहाँ पर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम अपना स्ट्रोमा का अपना स्ट्रोमा बोले तो जो मैट्रिक्स है स्ट्रोमा मैट्रिक्स का अपनी दादी ग्रैना का और स्ट्रोमा लेमिले का एक बहुत अच्छा मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है ठीक है अब अब इसके अंदर होते हैं दो तरीके के रिएक्शन एक है लाइट रिएक्शन और दूसरे हैं डार्क रिएक्शन एक क्या है लाइट रिएक्शन दूसरे हैं डार्क रिएक्शन लाइट बोले तो जो लाइट पर डिपेंडेंट होंगे जो लाइट में होंगे डार्क बोले तो जो डार्क में होंगे लेकिन ये भी लाइट पर डिपेंड करते हैं अब हम ही लाइट पर डिपेंड करते हैं कैसे दीदी अरे अगर सनलाइट नहीं होती खाना नहीं बनता खाना नहीं बनता हम कैसे जिंदा रहते सब लोग लाइट पर डिपेंड करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक डार्क रिएक्शन लाइट पर डिपेंड नहीं करेंगे क्या डार्क रिएक्शन भी लाइट पर डिपेंड करते हैं तो अपने पास यहां पर क्या होता है दो रिएक्शंस इनके अंदर हो रहे होते हैं एक लाइट रिएक्शन दूसरा डार्क रिएक्शन और इनमें एक बहुत क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है ध्यान से सुना इनके अंदर क्या है एक बहुत क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होता है सुनते जाना मैंने क्या बोला एक मेरे पास यहां पर है लाइट रिएक्शन दूसरा मेरे पास यहां पर है डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन बोले तो जो लाइट में होगा और डार्क रिएक्शन बोले तो जो कहां पर होगा डार्क में होगा लेकिन डार्क भी लाइट पे डिपेंड करता है ऐसा नहीं है कि डार्क वाला लाइट पे डिपेंड नहीं करता दिस इज ऑल्सो लाइट डिपेंडेंट सुनो दीदी कैसे डिविजन ऑफ लेबर है ये बोला ये बोला मैं लाइट में हूं मेरे मेरी जिंदगी पे लाइट पड़ रही है मैं फटाफट से मैं बना के दूंगा एनर्जी और तू एक काम कर तू बनवा ले खाना तो एकदम क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है लाइट रिएक्शन बोले हम बनवा लेंगे एनर्जी डार्क रिएक्शन बोले हम बनवा लेंगे खाना हम यही तो अपने को चाहिए होता है तो लाइट रिएक्शन ये इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है मेम्ब्रेनस सिस्टम ये मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या करेगा लाइट रिएक्शन है तो लाइट को ट्रैप करेगा और हमारे पास हमारी एटीपी हमारी एनएडीपीएच टू लेगा जब मैं रेस्पिरेशन पढ़ती हूँ तो वहां पे लिखती हूँ एनएडीएच और जब फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ती हूँ वहां पे लिखती हूँ एन ए डी पी एच टू तुम्हारे लेवल पे तुमको दिमाग खोता पच्ची करने की जरूरत नहीं है बस ऐसे याद रखना चैप्टर पढ़ रहे हो फोटोसिंथेसिस तो यहाँ पे बीच में पी लगा देना एन ए डी पी एच टू इसके अलावा और ज्यादा दिमाग खोटी करने की जरूरत नहीं है अब ध्यान से सुनो फिर से मैं बोल रही हूँ

है, वो मैं कर लूंगा और जितना भी फूड बनवाने का काम होगा वो फूड बनवाने का काम शुगर बनवाने का काम स्टार्च बनवाने का काम तू कर लेना तो डार्क रिएक्शन कार्बन के रिएक्शन करवाते हैं मतलब खाना बनवाने का काम करवाते हैं और ये कौन सा करते हैं ये हमारे पास लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं यहां पर रिएक्शन होता है फोटो मतलब लाइट लाइट को केमिकल में कन्वर्ट किया जाता है तो सबसे पहले मैंने तुमको क्या बताया इस पेज पे फटाफट से रिवाइज करते हैं फिर मेरे को बता देना तुमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया जोश मुझे ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है जो कि मुझे झीला पड़ता हुआ नजर आना नहीं चाहिए सबसे पहले मैंने मैंने क्या बोला क्या मेरा जो जीना पड़ा नहीं पड़ा ना तुम्हारा भी नहीं पढ़ना चाहिए फटाफट बता दो मैंने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट याद करवाया क्या इसमें पूरा भरा हुआ स्ट्रोमा है हाँ है ग्रैना और दो ग्रैना को जोड़ने वाला बीच में स्ट्रोमा लैमीले क्या इसमें क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है हाँ है कैसे दो रिएक्शन हो रहे हैं लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन बोले तो सिर्फ एटीपी बनवाएगा और डार्क रिएक्शन बोले तो ये डार्क अपना खाना बनवाएगा शुगर की सिंथेसिस स्टार्च की सिंथेसिस करवाएगा डन समझ आ गया अब वन बाय वन करके थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं अब हमारे पास क्या होता है पिगमेंट्स होते हैं काफी सारे पिगमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं मैंने तुमको बोला क्लोरोप्लास्ट मैंने बोला तुमको क्लोरोप्लास्ट। क्या 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 बोला था मैंने बोला था ग्रीन लीव्स। अब आगे बढ़ते जाते हैं ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स में क्या मीजोफिल सेल्स मीजोफिल सेल्स में क्या था क्लोरोप्लास्ट और मैंने बोला था क्लोरोप्लास्ट में होते हैं पिगमेंट जिन पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। लेकिन क्या क्लोरोफिल ही होता है नहीं चार तरीके के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी जेंथोफिल्स एंड कैरेटनोइ्स क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी जेंथोफिल्स एंड कैरेटे चार तरीके के पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी जेंथोफिल्स एंड और इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना क्यों क्योंकि क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा ग्रीन ब्राइट एंड ब्लू ग्रीन अब थोड़ा सा ग्रीन की शेड कम कर दो ग्रीन की शेड कम करते ही थोड़ा येलो येलो हो जाएगा तो दिस इज येलो ग्रीन और कम कर दो क्या सिर्फ येलो बचेगा ग्रीनरी कम हो गई और ग्रीनरी को कम करोगे तो क्या अब ऑरेंज ऑरेंज सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा सो क्लोरोफिल ए इज ब्राइट एंड ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन जेंटोफिल्स आर येलो एंड कैरेटेनॉइड्स आर येलो टू येलो ऑरेंज फिर से सुनो मैंने आपको क्या बोला हमारे पास यहाँ पर होते हैं ग्रीन लीव्स ग्रीन लीव्स में क्या होते हैं मीजोफिल सेल उसमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में मैंने क्या कहा था पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास यहां पर क्या होगा क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी जेंथोफिल्स एंड कैरेटेड चार पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए बी जेंथोफिलॉइड्स और कलर कौन सा शेड के हिसाब से याद करते जाना कौन कौन सा शेड सबसे डार्क ब्राइट एंड ब्लू ग्रीन और लाइट येलो ग्रीन और लाइट येलो और लाइट येलो टू येलो ऑरेंज और अगर इन पिगमेंट्स को सेपरेट करना है तो क्या करो एक टेक्निक होती है जिसको आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो क्रोमैटोग्राफी तो एक अलग हो जाएगा दूसरा अलग हो जाएगा तीसरा अलग हो जाएगा तो पेपर क्रोमेटोग्राफी नाम से एक टेक्निक होती है यहाँ पर सिर्फ नाम याद कर लो जिसमें एक क्रोमेटोग्राम बन जाता है ठीक है लेकिन ये टेक्निक आपको पढ़नी है तो वो केमिस्ट्री के अंदर आपके पास यहाँ पर होती है सो पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है जिसके अंदर चार पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी जेंथोफिल्स एंड कैरेटेनोइड्स अब इसमें ध्यान रखना क्लोरोफिल ए नाम ही बोल रहा है ए ये भैया अपने एकदम ए भैया हैं चीफ भैया हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीफ पिगमेंट एंड ऑल अदर आर एक्स्ट्रा पिगमेंट्स एक्सेसरी पिगमेंट क्यों होता है सुनो तुम एक बात सोचो हमारे पास दो एक होता है monitor, और कुछ होते हैं को मॉनिटर्स क्लास में एक, एक तो कैप्टन होता है एक तो क्या होता है स्कूल का कैप्टन एक क्या होता है कल्चरल हेड कल्चरल सोसाइटी का हेड ड्रॉइंग सोसाइटी का हेड स्कूल में ऐसा होता है कि नहीं होता है सबसे चीफ कौन है सबसे चीफ कौन है अपने स्कू, स्कूल का कैप्टन जो हेड हेड गर्ल हेड हेड बॉय होते हैं, पीपल आर मेन, लेकिन साथ में कल्चरल भी होता है सब होता है क्यों क्यों ताकि काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके मेन काम तो इसका है लेकिन काम का डिस्ट्रीब्यूशन अब ये क्या क्या देखेगा सब कुछ थोड़ी तो कर पाएगा इसने सबसे ज्यादा कहां पे था ब्लू रीजन में एंड रेड रीजन में अभी अभी देखा था हमने अभी हमने जब चैप्टर पढ़ा था एंजल मैन ने ऐसे एंजल से अपनी लाइट निकाली थी तो ब्लू रीजन पे और रेड रीजन पे सबसे ज्यादा अपने को मिला था तो कैप्टन क्या कर लेगा ब्लू और रेड दो चीजें संभाल लेगा लेकिन बाकी सारी चीजों का क्या यार ऐसे तो ये ये तो खराब ही हो जाएगा क्लोरोफिल ए तो फोटो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है हमारे पास यहाँ पर ये एक्सेसरी पिगमेंट्स अपने क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं ये सब होंगे तो हमारे पास और ज्यादा काम होंगे और ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी और अल्टीमेटली डिसीजन तो किसको लेना है ए को ही लेना है तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और किसको ट्रांसफर कर देंगे क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देंगे मतलब इन्होंने क्या किया इन्होंने एक वाइड रेंज को कवर किया वाइड रेंज एब्जॉर्प्शन किया जबकि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर कौन रहा है हेड गर्ल हेड बॉय मतलब अपना चीफ पिगमेंट इन ब्लू एंड रेड रीजन तो क्या सभी स्टूडेंट्स को ये पन्ना याद हो गया मेरे पास यहां पर क्या था मेरे पास यहां पर था सबसे पहले ग्रीन लीव्स ग्रीन लीव्स में क्या होता है फिर से रिपीट करो ग्रीन लीव्स में क्या होता है मेसोफिल सेल्स मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं पिगमेंट कौन कौन से पिगमेंट एक चीफ पिगमेंट पिगमेंट और तीन एक्सेसरी पिगमेंट चीफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एक्सेसरी क्लोरोफिल बी जेंथोफिल्स कैरेटेनॉइड्स क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी जेंथोफिल्स एंड कैरेटेनॉइड्स ये क्या है एक्सेसरी बचे हुए काम कर रहे हैं वाइड रेंज एब्जॉर्बन कर रहे हैं और अपने कैप्टन को फोटो ऑक्सीडेशन से बचा रहे हैं जबकि जो क्लोरोफिल ए है वो तो, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है रेड और ब्लू रीजन में अपने पास वहां पर चीजें होती हैं तो पिगमेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या हो गए हमारे पास यहाँ चार हो गए क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बीजोपेज कैरेटनोज आई होप सभी लोगों को ये याद हो गए होंगे अब थोड़ा सा डिटेल में लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस को पढ़ते हैं लाइट रिएक्शंस में हम फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम टू के बारे में पढ़ेंगे एंड डार्क रिएक्शंस में हम अपना C3 साइकिल C4 साइकिल वो सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे क्या मैं स्टार्ट कर दूं लाइट रिएक्शन और बहुत प्यार से तुमको समझाऊंगी बहुत प्यार से तुमको समझाऊंगी तुमको मजा आ जाएगा हेलो स्टार्ट करें तो लाइट रिएक्शंस अपने पास आता है नाम बोल रहा है लाइट रिएक्शन जो लाइट में होंगे लाइट पर डिपेंड करेंगे और जब लाइट रिएक्शन था तो मैं लाइट रिएक्शन के बाद ब्रेक लेंगे पहले लाइट रिएक्शन खत्म कर लेते हैं फिर ब्रेक लेंगे लाइट रिएक्शन में मैंने क्या बोला था ये क्या होता है रिएक्शन रिएक्शन डार्क क्या होते हैं कार्बन वाले रिएक्शन तो चलो जी स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल फेज इसमें क्या होता है इसके अंदर अपने पास होती हैं दो चीजें मान लो मेरे पास यहां पर लाइट आकर पड़ रही है क्या पड़ रही है मेरे पास यहाँ पर लाइट आकर पड़ रही है तो क्या आप इस लाइट को फटाफट से मुझे ट्रैप कर लेना चाहिए बोलो 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 क्या इस लाइट को फटाफट से फटाफट से आके मुझे ट्रैप कर लेना चाहिए क्या मुझे इस लाइट को हार्वेस्ट फट कर लेना चाहिए हम रेनी सीजन में रेन हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास इस लाइट को पकड़ने के लिए होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस तो फोटो दो फोटो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस यहां पर होते हैं जिनका नाम है फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम तो लाइट अपने पास यहाँ पर आ रही है लाइट आते ही लाइट को हार्वेस्ट करना है कॉम्प्लेक्स अपने पास उसको कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो कि दो तरीके के होते हैं फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम टू क्या फोटो सिस्टम वन पहले काम करता है फोटो सिस्टम टू बाद में काम करता है, नहीं इसकी डिस्कवरी पहले हुई थी इसीलिए इसका नाम पड़ गया फोटो सिस्टम वन इसकी डिस्कवरी बाद में हुई इसलिए इसका नाम पड़ा फोटोसिस्टम टू लेकिन काम करता है पहले ये बाद में करता है ये तो डिस्कवरी के हिसाब से इनका नाम फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम टू पड़ गया लेकिन इनका ऐसा कुछ लेना देना अपने पास यहां पर उस चीज से है नहीं ठीक है अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस दीदी बने किससे होते हैं ये बता दो इससे पहले कि बताओ कि लाइट को कैसे हार्वेस्ट करेंगे ये बनते किससे अरे अभी तुम जो ये पिगमेंट पढ़ के आए हो ना पिगमेंट इन पिगमेंट से मिलकर बनते हैं हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट से मिलकर ही बनते हैं क्यों क्योंकि मैंने तुमको अभी-अभी तो बोला कि तुम्हारा फोटो सिस्टम फोटोसिंथेसिस करवा कौन रहा है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं तुम्हारे पिगमेंट और जो लाइट पड़ रही है उस लाइट को अट्रैक्ट कौन कर रहे हैं लाइट हार्वेस्टिंग जहां होगी और मिलकर ही बने होंगे किससे मिलकर बनेगमेंट से क्योंकि पिगमेंट ही तो हैं क्लोरोफिल ही तो फोटोसिंथेसिस करवाता है और लाइट को ट्रैप कौन कर रहा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यही तो आ रही है लाइट यही तो होगा फोटोसिंथेसिस तो पिगमेंट यहां नहीं होंगे तो किधर होंगे इधर ही होते हैं पिगमेंट ये हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स जो कि प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं इनके अंदर क्या होता है अपना चीफ अपने चीफ भैया क्लोरोफिल भैया उसका एक मॉलिक्यूल अब तुम भी किसी फंक्शन में जाओगे तो उस फंक्शन में क्या सबसे पहले तुम्हारा हेड बॉय हेड गर्ल ऐसे झंडा लेके खड़े रहते हैं तुम भी ट्वेंटी सिक्स जनवरी पे फंक्शन होगा अभी तुम्हारे स्कूल वूल का और जिसका स्कूल वूल नहीं करता है अपने पास वो uh, होगा उधर उधर कहाँ पे तो देखा होगा ना तुम लोगों ने वहाँ पे तुम्हारा हेड बॉय हेड गर्ल तुम्हारे देश का झंडा तुम्हारे स्कूल का झंडा ऐसे लेके खड़े रहेंगे और तुम पीछे रहोगे तुम पीछे रहोगे तुम मार्च में पार्टिसिपेट करोगे तो बाकी सारे पिगमेंट तो क्या करेंगे फोटोसिंथेसिस को एफिशिएंट बनाएंगे, और तुम एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए चीफ बॉय चीफ सॉरी हेड बॉय हेड गर्ल वो क्या करता है वो एंटीना बनाता है किसका लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम किसका लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम का और उसे कहते हैं रिएक्शन सेंटर क्योंकि वही झंडा लेकर खड़ा है और तुम्हारे झंडे को देख के ही लोग रिएक्ट करेंगे कि अच्छा ये स्कूल का झंडा है इसीलिए इसे कहा जाता है रिएक्शन सेंटर तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूं लाइट रिएक्शन के बारे में तो मेरे पास यहां पर लाइट रिएक्शन बोले तो लाइट आकर पड़ रही है सुनिए जी फटाफट सुनिए जी फटाफट फटाफट से फटाफट मेरे पास यहाँ पर क्या हो रही है मेरे पास यहाँ पर लाइट आकर पड़ रही है लाइट आकर पड़ रही है तो लाइट को कौन अट्रैक्ट करेगा हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, जहां लाइट वहां फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस होती किसमें है पिगमेंट्स में होती है पिगमेंट अभी अभी पड़े हैं एक तो बाकी बचे हुए पिगमेंट वो सब तो साइड में सपोर्टर होते हैं मेन झंडा एंटीना बना के, बना के कौन खड़ा है हमारा एक हेड बॉय हेड गर्ल एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए और दो तरीके के एल हैं एक होता है पी एक होता है पी अगर 700 हंड्रेड नैनोमीटर की लाइट पड़े तो उसको ये कहेगा तो वो आजा, आजा, तो लाइट पड़ती है तो अगर सिक्स एटी नैनोमीटर की वेवलेंथ है उस लाइट की तो पी उस लाइट को उठा लेता है अगर सेवन नैनोमीटर की लाइट है तो पी उठा लेता है याद करने का तरीका बताऊ पी वन बोले तो जिसका नीट में आएगा रैंक वन और आजकल रैंक वन जिसके सात सौ में आते हैं उसी का आता है पी एस टू जिसके थोड़े से कंपैरेटिवली कम छः सौ अस्सी के आसपास नंबर होंगे वो आएगा रैंक टू तो रैंक वन अपने पास कहां पर शो करता है सेवन हंड्रेड नैनोमीटर पे इसलिए इसको पी सेवन हंड्रेड भी कह सकते हैं एंड इसको पी सिक्स एटी भी कह सकते हैं सो गए हेलो छोटूज हो गए क्या अरे स्पैमर्स आ रहे हैं आने दो आने दो तुम टेंशन मत लो तुम स्पैमर्स आ रहे हैं आने दो कोई दिक्कत नहीं है मेरे मैं पढ़ाती हूँ पढ़ाने के बाद एक बार तुम्हारा कमेंट सेक्शन देखती हूँ मेरे को एक स्पैमर दिखे मैं उसको एक सेकंड में ब्लॉक कर दूंगी तुम टेंशन ही ना लो कोई दिक्कत नहीं है तुम मेरा सपोर्ट कर रहे हो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है तुम प्यार दे रहे हो बस वही बहुत बड़ी बात है तुम एक सेक्शन को लाइक like करके और एक कमेंट छोड़ के चले जाते हो जिंदगी में और वही बड़ी बात है मेरे जैसे एक छोटे से टीचर का तुम कोर्स ज्वाइन कर लेते हो मेरे लिए वही बड़ी बात है ठीक है ठीक है जी तो हमारे पास यहां पर क्या हो गया एक बन गया पी एस वन एक बन गया पीएस टू अब मैं दोनों तुमको ध्यान से पढ़ाती हूँ सुनते जाना क्या होगा ये आकर पड़ी मेरे पास क्या लाइट ये मेरे पास यहाँ पर क्या पड़ी लाइट आकर पड़ी जिसकी इंटेंसिटी कितनी थी जिसकी इंटेंसिटी थी सिक्स हंड्रेड किस पर आकर पड़ेगी एल पर जिस एल का नाम क्या है पी टू क्योंकि मैंने कहा था पहले कौन काम करता है पी टू फिर कौन काम करेगा फिर काम करेगा पी वन सुनते जाना हेलो चुनूज सुनते जाना सुनते जाना ध्यान से बहुत बहुत प्यार से समझा जाऊंगी बहुत प्यार से सुनना ध्यान से मेरे पास क्या हो रहा है मेरे पास यहां पर लाइट आकर पड़ी सिक्स एटी नैनोमीटर की तुम्हारे ऊपर लाइट आकर पड़ी और जैसे ही तुम्हारे अंदर साम दाम दंड बूम मैं तुम्हारे अंदर लाइट भेज दू लाइट आती तुम्हारे अंदर ऐसे तुम कूद के पड़ोगे कि आह मेरे अंदर पावर आ गई आती है कि नहीं आती है तुमने मूवीज़ में देखा है कि नहीं देखा है अरे ब्रह्मास्त्र तो देखी होगी ना वो ऐसे जुँ, 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 तुम्हारे अंदर सारी लाइट डाल देता है तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है तो सारी लाइट आई आते ही क्या होगा आते ही जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अपने पास यहां पर है वो हो जाएंगे अपने एक्साइट और एक्साइट करके कूद के पड़ेंगे कूद के पड़ेंगे कूद के पड़ते ही ऊपर बैठा है इस इलेक्ट्रॉन को असेप्ट करने वाला इलेक्ट्रॉन असेप्टर वो इस इलेक्ट्रॉन को कहेगा आ आ इधर ही बैठना है तुझे तो तुम्हारे अंदर एनर्जी आ गई तुमने मस्त तैयारी कर दी और तुम्हारे तैयारी करते ही ऊपर बैठा इलेक्ट्रॉन असेप्टर फिर तुमको याद आया कि भाई ऐसा क्या जिंदगी में अब क्या है? इतनी एनर्जी दिखाता रहूंगा वापस से क्या होगा वापस से तुम्हारी वापस से तुम्हारी क्या होगा वापस से तुम्हारी एनर्जी कम होगी कम होगी और अगर तुमने मेरे से रेस्पिरेशन पढ़ा है इलेक्ट्रॉन कहते ही तुमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम याद आना चाहिए इलेक्ट्रॉन कहते ही अब ये इलेक्ट्रॉन किससे पास करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास करेगा ए डी पी से ए टी पी की फॉर्मेशन करवा देगा और लाइट रिएक्शन में लाइट रिएक्शन में मुझे करवाना ही है लाइट रिएक्शन में मुझे करवाना ही है एटीपी और किस चीज की फॉर्मेशन करवानी है NADPH2 की करवानी है। ठीक है अब हमारी फिर से शांत हो गए तो हम इधर आ गए और साथ में एक और लाइट आकर पड़ी जिसकी इंटेंसिटी कितनी है सेवन हंड्रेड नैनोमीटर फिर से लाइट आई फिर से तुमने एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली, तुम फिर से कूद के पड़े तुम फिर से कूद के पड़े, अब की बार तुमने रक्षिता सिंह की मोटिवेशन वीडियो देखी थी तो तु, तु, तुम फिर से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कूद के पड़ा तुम फिर पहुंच गए फिर से एक इलेक्ट्रॉन से अपने पास आ गया और अब की बार तुमने अब की बार सोचा कि अब की बार तो 10 चैप्टर खत्म करेंगे तो NAD को NADP को NADPH2 में कन्वर्ट कर दिया तो जब तुम यहां कूद के पड़े तुमने ATP बनवा दी तुम जब यहां कूद के पड़े तुमने NADPH2 बनवा दिया तो ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है तो जैसे ही मेरे पास लाइट आई लाइट सिक्स एटी नैनोमीटर की आई तुम पे आते ही लाइट पड़ी तुम कूदे और कूदते ही ऊपर एक इलेक्ट्रॉन असेप्टर बैठा है उसने तुमको पकड़ लिया फिर अब तुम्हारी एनर्जी वापस से डाउन हुई ईटीएस के थ्रू आए लेकिन तुमने अच्छा खासा काम तो कर दिया एटीपी तो बनवा दी फिर से क्या हुआ फिर से अब की बार और ज्यादा एनर्जी और ज्यादा एनर्जी 700 नैनोमीटर की एनर्जी अपने ऊपर आकर पड़ी आते ही फिर से तुम कूद कर पड़े और फिर से अपने पास क्या हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने तुमको एक्सेप्ट कर लिया अब फिर तुम्हारी एनर्जी कम हुई लेकिन अब की बार तुमने 700 नैनोमीटर कंज्यूम किया था तो अब की बार तुम एन टू बनवा के आए तो ये अपने पास क्या है हमारे पास ऐसे लाइट रिएक्शन में ए एंड ए का सिंथेसिस होता है ATP टी ADP एंड का सिंथेसिस सॉरी ATP टी NADPH2 एंड का सिंथेसिस होता है एंड जिस भी साइंटिस्ट महाराज ने ये सब सिस्टम PS1, PS2 के बारे में बताया था वो ये सब बताने के बाद थोड़ा सा पी के पड़े हुए थे तो पी के पढ़ने के बाद उन्होंने इस रिएक्शन को ऐसे नहीं उन्होंने बाय चांस पीने के बाद इस रिएक्शन को ऐसे देख लिया कैसे या? ऐसे हाँ देखो सीरी भी बोल रही है या। ऐसे ही देखा वन सेकेंड कैसे ऐसे क्या दिख रहा है जेड क्या दिख रहा है जेड तो इसीलिए इसका नाम जेड स्कीम होता है क्योंकि उन्होंने उस दिन थोड़ा पी रखा था तो वो ऐसे नहीं ऐसे पड़े हुए थे तो उनको ये एन तो नहीं दिखा मुझे तो ये एन दिख रहा है उन वो ऐसे पड़े हुए थे तो उनको वो जेड दिख रहा था आ, भाई इसका नाम रख दो जेड स्कीम तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया जेड स्कीम तो हमारे पास यहां पर क्या हुआ लाइट आकर पड़ी 680 नैनोमीटर की हमने उसको एक्सेप्ट किया हम एक्साइट हुए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने हमको पकड़ लिया फिर हमारी वापस से कम हुई ETS के थ्रू हम वापस से नीचे आए फिर एल एच नैनोमीटर की पड़ी फिर से हम एक्साइट हुए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कम किया और वापस से हमने एनएडीएच टू बनवा दिया एंड दिस इज सिस्टम एज जेड स्कीम ठीक है तो यहां पर क्या होते हैं ईटीएस में काफी सारे साइटोक्रम्स वगैरह होते हैं ऑलरेडी तुम पढ़ के आ चुके हो आ, 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 हमारे पास चैप्टर में जिसमें तुमने रेस्पायरेशन में पढ़ लिया है ईटीएस में क्या होता है क्या नहीं होता है उसके अलावा यहां पर कहा पर? पर, के पास स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है तुम लोगों में से किसी ने भी नहीं पूछा कि दीदी जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ये जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं ये आ कहां से रहे हैं अभी तो तुमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ाया था और तुमने कहा था उसमें पिगमेंट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए होता है उसमें और पिगमेंट्स होते हैं अभी तो तुम ये बता रही थी और अभी तुम कह रही हो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे जैसे ही लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन कूदेगा नहीं कहां से आया तो हमारा जो एच टू ओ होता है वो एच प्लस प्लस ओ टू प्लस फोर इलेक्ट्रॉन में टूटता है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जंप मारते हैं इस ऑक्सीजन को हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं और इस तरीके से अपनी ये सारी चीज़ें थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की अंदर के साइड में होती है हमारी ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं हमारी थाली में थाइलाकोइड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की इनर साइड में होती है ऑन इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन सो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं देर इज स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर विच इज एसोसिएटेड विद पी एस टू इसके अलावा एक और केस है कई बार क्या होता है कई बार पी एस टू होता ही नहीं पी एस टू है ही नहीं अगर पी एच टू नहीं है तो इसको काट दो इसको काट दो इसको काट दो इसको काट दो क्या डायरेक्ट इस पे लाइट डालू हाँ डायरेक्ट इस पे लाइट डालू क्या इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे हाँ, करेंगे क्या NADPH2 बनेगा नहीं यहां जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बैठा है तो ये इधर आ जाएगा उधर जाने के बजाय अब की बार ये इधर आएगा तो इसको भी काट दो तो यहां पर एक साइकिल चलता रहेगा इसे कहते हैं हमारे पास साइक्लिक फ्लो ये कहां पर होता है स्ट्रोमा लय मीले में लै मिल गया ले मिल गया ले मीले मिलता ही रहता है यहाँ पे साइकिल चलता ही रहता है यहाँ पे लय मीले ये कहाँ पर था थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में तो दो चीजें मेरे पास यहाँ पर होती हैं केस नंबर वन जिसमें पी एस टू पी एस वन दोनों काम कर रहे हैं पी एस टू पी एस वन दोनों काम कर रहे हैं तो कौन सी स्कीम बनी थी जेड स्कीम बनी थी लेकिन अगर सिर्फ पी वन काम करेगा तो साइकिलिक एक साइकिल मेरे पास यहाँ पर चलता रहेगा इसके ऊपर लाइट पड़ेगी क्लोरोफिल के ऊपर क्लोरोफिल ऊपर इलेक्ट्रॉन की तरफ अपने पास यहाँ पर भेजेगा और वो

तो यही कर लेगा ठीक है तो हमारे पास दो चीजें हो गई एक हो गया फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो ये एटीपी बना रहे हैं ना हम कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया में बनवाई थी आज हम क्लोरोप्लास्ट में बनवा रहे हैं इसे कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, और फोटो बोले तो लाइट की प्रेजेंस में तो दो चीजें हो गई एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक नॉन साइकिल बोले तो जिसमें साइकिल नहीं है जेड स्कीम है तो पी एस वन पी टू दोनों काम कर रहे हैं तो कौन था नॉन साइकिल जब सिर्फ पी वन काम कर रहा है तो साइकिल ये कहा हो रही थी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ये कहा हो रही है स्ट्रोमा लेमिले में कि इसमें सिर्फ पी वन है पी टू नहीं है इसमें एनएडी भी बना था एटीपी बना था इसमें सिर्फ ATP बना क्या सभी स्टूडेंट्स को मैंने पी एस वन पी एस टू समझा दिया ठीक है दो मिनट का ब्रेक ले रहे हैं क्या सभी लोगों को पी एस वन एंड पी एस टू पी एस वन एंड पी एस टू समझ में आ गया हेलो बिलू जी वो बोल रहे हैं ये सब लोग बोल रहे हैं इनको पीएस वन पीएस टू समझ आ गया हम्म नहीं भाई ना नहीं नो नो नहीं जाने देंगे बिल्लू जी को नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे आइस आईज ओपन करो ओपन यूर आइस कुछ कुछ लाइट पड़ रही है क्या लाइट पड़ रही हो क्या मेरे बाबू की फेस पे सबको बोलो हेलो <mimus> mm. <mimus> बिल्लू <mimus> <mimus> डांस करके दिखाएँ सबको बिल्लू डांस करके दिखाएँ जैसे अपन बिल्लू डांस करते हैं नहीं नहीं बिल्लू डांस बिल्लू डांस बिल्लू डांस ना बिल्लो और बिल्लो और रुक तो जा अच्छा रुक तो जा एक बार रुक तो जा एक बार रुक जाओ बस चल बिल्लू डांस करके दिखाएंगे आई एम अ बिल्लू डांसर टट टट टटाडा आई एम अ बिल्लू डांसर आई डांस 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 आई डांस 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 डोंट स्कूड के देखो सो कोइज योर हाय बोल दिखाओ हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन मैं हूं क्यूट अपियोडो अच्छा ठीक है तंग नहीं करेंगे भाई तंग हो रहा है और क्यूट बावा 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 हां देखो अब लेट गया हम लेट गया गंदू ठीक है यार अच्छा ठीक है तुम लोगों के लिए जो भी स्टूडेंट्स आज अटेंड कर रहे हैं जो हम लोगों हम लोगों ने ये जैसे मैंने यहाँ पे तुमको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाई है यहाँ पे मैं तुमको पूरा प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ सेम इसी तरीके से हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक करोगे तो उसमें भी चेक कर सकते हो अदरवाइज प्ले स्टोर पर जाके रक्षता सिंह ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो वहाँ जाओगे द एनसी जर्नी करके कोर्स है वही ये कोर्स का पार्ट चल रहा है उसमें आज मैं तुमको एक सरप्राइज़ देती हूँ जिसको भी वो कोर्स खरीदना है अगर तुम नीट टू ज़ीरो टू थ्री कूपन कोड लगाओगे तो तुमको रुपीज़ हंड्रेड ऑफ मिलेगा वैसे ही वो हज़ार रुपये का है उसमें और हज़ार रुपये तुमको ऑफ़ मिल जाएंगे जिस भी स्टूडेंट को कोर्स अपना जो चल रहा है रक्षिता सिंह ऐप के ऊपर अगर वो आपको खरीदना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा एनसीआर जर्नी नाम से कोर्स है प्ले स्टोर पे जाके रक्षिता सिंह ऐप डाउनलोड कर लेना नीट 2023 कूपन कोड लगा देना ये जान जानबूझ के मैंने वीडियो के बीच में बताया है ताकि सिंसियर स्टूडेंट्स ज्वाइन करें फिर अपन जो टेस्ट रखेंगे ना उनमें अपन डिस्कशन भी करेंगे तो बहुत ज्यादा बच्चों को हैंडल करना दिक्कत हो जाता है डन डन डना डन डन यू कैन यूज दिस क्रैश कोर्स ऑन लैपटॉप ऑल्सो बस आपको वहां पे डालना है वेब डॉट डब्ल्यू डब्ल्यू क्लास प्लस क्लास प्लस एप डॉट कॉम फिर आपसे एक ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा उसमें डालना वी ओ एम एफ एस आपको सारी चीज़ें मिलेंगी ठीक है इसके बाद हम ह्यूमन फिजियो स्टार्ट करेंगे एंड ह्यूमन फिजियो हम थ्री डी मॉडल से पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल आई का मेरे पास एक बहुत अच्छा मॉडल है उसमें सारी लेयर्स में से हटा के दिखाऊंगी आई ऑलरेडी ऑर्डर जिसमें स्क्लेरा कॉर्निया पूरा प्रॉपर ऐसे हटा हटा के हटा हटा के सारी लेयर तो तुमको बहुत अच्छा दिखेगा ह्यूमन फिजियो तो मैं बहुत मस्त पढ़ाने वाली हूँ अलग लेवल पर पढ़ाने वाली हूँ बिकॉज लाइक फॉर श्योर आई एम डूइंग एमबी बी एस राइट तो ह्यूमन फिजियो इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ठीक है स्टार्ट करते हैं यार अब अपने पास नेक्स्ट पोर्शन आई गेस ब्रेक इनफ स्टार्ट करें जोश है यार जोश है कि नहीं है फटाफट बोलो आप मुझे स्टार्ट कर दू हेलो स्टार्ट कर दे यार स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें चलो स्टार्ट करते हैं यार फटाफट हम लोग अब अपने पास क्या है एटीपी का सिंथेसिस दिखने में लेकिन ये बहुत ही प्यारा सा सिस्टम अपने पास यहाँ पर है बहुत प्यारा सा सिस्टम है तुमको वैसे ही देखने में ये ड्रामना लग रहा है लेकिन बहुत प्यारा सिस्टम ये है क्या है मैं तुमको यहाँ पर दिखाती हूँ क्या है मेरे पास इस तरीके से हमारे पास ये क्या है ये मेरी एक थाइलाकोइड की मेंब्रेन है ये क्या है ये मेरी थाइलाकोइड की मेंब्रेन है दिस इज माय थाइलाकोइड मेंब्रेन और अभी-अभी मैंने एक PS2 पढ़ा और PS2 से दूसरा क्या होता है उसके साथ ही जुड़ा होता है अपने पास PS तो हमारे पास ये क्या है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन और इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में ये पी वन और पी टू कुछ इस तरीके से प्रेजेंट थे हाँ थे पी टू पर क्या पड़ रहा था लाइट आकर पड़ रही थी क्या यहां पर लाइट आकर पड़ रही थी इसके बाहर क्या है इसके बाहर है स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया था तुमको इसके बाहर क्या प्रेजेंट है इसके बाहर प्रेजेंट है स्ट्रोमा ध्यान से सुनते जाना सुनो मेरी बात अरे वो डीजे नहीं वो वॉशरूम जा रहा है वो अब उसमें ऐसे 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 कर रहा है कैट्स uh, ऐसे ही करते हैं उसको सुसु वुस्सु सु, सु करना होगा तो वो ऐसे करता है पहले पूरा लिटर को अपना जहाँ पे भी वॉशरूम जाएगा वो उसको कवर करके आता है मतलब उसका लिटर बॉक्स होता है ठीक है तो वो कर रहा है दो मिनट में चुप कर देगा सुनो मेरी बात ध्यान से ध्यान से सुनना दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं एंड दिस इज टर्म्ड एज कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथिस कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथिस सुनते जाना मुझे अगली पांच मिनट किसी का ध्यान इधर उधर नहीं मिलना चाहिए कोई कमेंट नहीं मिलना चाहिए एक भी कमेंट आया मैं ब्लॉक करूंगा कोई कमेंट नहीं करेगा ना हंसने का इमोजी ना कोई इमोजी कुछ इमोजी कमेंट नहीं होगा सिर्फ सुनेंगे सब लोग फिर कमेंट करेंगे क्या है ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है और बाहर सारी जगह पर क्या प्रेजेंट है बाहर सारी जगह पर प्रेजेंट है स्ट्रोमा इसमें मेरे पास पी एस टू बैठा हुआ है पी एस वन बैठा हुआ है लाइट आकर पड़ी लाइट आकर जैसे ही मेरे पास यहाँ पर पी एस टू पर पड़ी तो पी एस टू में क्या होता था यहाँ पर एच टू ओ का स्प्लिटिंग होता था वो एच प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस क्या अभी अभी पढ़ा है पी एस वन पी एस टू क्या लाइट आकर पड़ रही थी पी एस टू पे क्या यहाँ पर वॉटर का स्प्लिटिंग हो रहा था उसी को मैं डायग्राम में कहा होता है वहां दिखा रही हूं मेरे पास बाहर क्या है स्ट्रोमा ये क्या है थाइलोकोइड मेम्ब्रेन इस थाइलोकोइड मेम्ब्रेन में यहां पर मेरे पास क्या है पी टू और इस पी टू से हमारे पास क्या एसोसिएटेड था इससे एसोसिएटेड था वाटर का स्प्लिटिंग वाटर के स्प्लिटिंग के बाद क्या यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते थे क्या PS2 टू में हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते थे जाते थे। क्या उसके बाद मेरे पास वहां से PS1 वन में जाते थे जाते थे क्या फिर मेरे पास NADP से NADPH2 टू बनता था हाँ बनता था तो मेरे पास यहां पर क्या है यार सबसे पहली बात अपने पास यहां पर क्या है पी एस टू इस पी एस टू से एसोसिएटेड क्या था वॉटर का स्प्लिटिंग वहां से मेरे पास ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता था उसके बाद पी एस वन स्टार्ट होता था और पी एस वन पे एन ए डी पी एच टू बनता था इफ यू रिमेंबर अब क्या होता है इसके अंदर ध्यान से सुनते जाना सबसे पहले लाइट आकर पड़ी लाइट आकर पड़ते ही H2O ने O2, H और इलेक्ट्रॉन बना दिए O2 को तो हमने सांस ले लिया इलेक्ट्रॉन अब आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे और H यहां इस बीच वाले पोर्शन में जिस पोर्शन का नाम है ल्यूमिन उस ल्यूमिन में एक्यूमुलेट हो गए क्या इस ल्यूमिन में एक्यूमुलेट हो गए यार हाँ ना बोलते जाओ क्या इस ल्यूमिन में एक्यूमुलेट हो गए हो गए अब आगे बढ़ते हैं आगे मेरे पास यहां पर है प्लास्टोक्यूनॉन प्लास्टोक्यूनॉन और बीच में है साइटोक्रोम मैंने बोला था ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइटोक्रोम से मिलकर बना होता है प्लास्टोक्यूनॉन सॉरी प्लास्टोक्यूनॉन प्लास्टोसाइनिन प्लास्टोक्यूनॉन प्लास्टोसाइनिन एंड बीच में साइटोक्रोम बी सिक्स एफ प्लास्टोक्यूनॉन साइट प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम बी सिक्स एफ ये क्या करता है यहां पर अपने पास ये इस इलेक्ट्रॉन को उठाता है और साथ में एक H प्लस अब इलेक्ट्रॉन को कैसे उठाता है ये एक H प्लस को कहता है ओ एच प्लस इधर आ तेरे पास पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है तो एक काम कर इसको अपने साथ जोड़ ले इसको क्या कर इसको अपने साथ जोड़ ले और आगे पहुंचा दे ये हाइड्रोजन इसके पास आते कहाँ से हैं इस इलेक्ट्रॉन को उठाने के लिए इस स्ट्रोमा से क्या हुआ क्या हुआ H2O H+ O2 में और इलेक्ट्रॉन में टूटा O2 हमने सांस ले लिया H+ यहां पर एक्यूमुलेट हो गया और इस इलेक्ट्रॉन को हमने आगे भेजा अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही थोड़ी मंडराता रहेगा मटकता मटकता खुद थोड़ी जाएगा नेगेटिव को उठाने के लिए किसी पॉजिटिव को आना पड़ेगा तो इस स्ट्रोमा से कुछ एच प्लस उठकर आएंगे इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर लेकर जाएंगे फिर हम यहां एटीपी बनवा लेंगे फिर हम पहुंचेंगे पीएस वन पर वहां पे अब क्या होगा एन ए डी पी से एन ए डी पी एच टू बनेगा तो एन ए डी पी एच टू बनेगा तो पी था अब उसपे एच आ गया तो यहां भी एच यूज हुआ तो स्ट्रोमा से ही वो एच हमने उठाया वो एच भी हमने कहा से उठाया वो एच भी हमने स्ट्रोमा से ही उठाया क्या होता जा रहा है यहां पर तो एच प्लस इकट्ठे होते जा रहे हैं यहाँ पे भी स्ट्रोमा से H प्लस उठा लिया स्ट्रोमा में H प्लस पहली बात तो कहीं से बाहर से आ ही नहीं रहे जितने आ रहे थे वो भी कम फिर से स्ट्रोमा से H प्लस उठा लिया जितने आ रहे थे वो H प्लस फिर से कम तो अपने पास यहां पर क्या होता है सबसे पहली बात सबसे पहली बात क्या सबसे पहला स्टेप पी एच टू पे एच टू ओ स्प्लिट हुआ एच प्लस ओ टू और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को हमारे पास सिस्टम नंबर टू दैट इज यहां पर प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करता है एक तो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है वो इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर लेकर जाता है और एक हाइड्रोजन कैरियर होता है यहां पर जो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर जाता है आगे अब हाइड्रोजन कैरियर है तो वो हाइड्रोजन आया कहा से स्ट्रोमा से स्ट्रोमा के पास वैसे भी हाइड्रोजन नहीं बन रहे और हाइड्रोजन कम हो गए अब पहुंचे पी वन पे वहां पर बना एन टू उसने भी एच यूज किए वो एच भी कहां से आए स्ट्रोमा से स्ट्रोमा में एच कम होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं और यहां से जो हमने एच उठाया था इसने जब इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दिया पहुंचाने के बाद यह भी अंदर आ गया उठाया था यहां से और यह भी अंदर आ गया तो इसके अंदर तो एच एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं बाहर एच है कम 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 होते जा रहे हैं तो एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है क्या बनता है प्रोटॉन का ग्रेडियंट ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस फिर से सुनना फिर से सुनना मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बोला हमारे पास यहाँ पर क्या है ये मेरे पास है मेरी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये है पी एस टू ये मेरे पास क्या है पी एस वन ये मैं लास्ट बार समझा रही हूँ कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इसके बाद मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी मेरे पास यहां पर लाइट आकर पड़ी लाइट आकर पड़ते ही वाटर का स्प्लिटिंग हुआ H+ प्लस और इलेक्ट्रॉन बने O2 तो यूज हो गया H+ प्लस इधर ही पड़ा रहा इलेक्ट्रॉन को एक तो इलेक्ट्रॉन कैरियर उठाकर लेकर जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन कैरियर उठाकर लेकर जाएगा वो हाइड्रोजन आएगा कहां से हम इस सिस्टम से उठा लेंगे तो अब ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है जा रहा है जा रहा है और जैसे ही जाते जाते इलेक्ट्रॉन को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा देगा और खुद क्या करेगा अब खुद बोलेगा चलो मैं चलता हूं और ये भी अंदर आ जाएगा ये भी क्या करेगा ये भी अंदर आ जाएगा फिर हम पहुंच चुके होंगे फोटो सिस्टम वन के पास वहां पे बनता है एन ए डी पी से एन ए डी पी एच टू यहां पर भी एच यूज हो रहा है ये एच भी हमको कहाँ से मिला ये एच भी हमको स्ट्रोमा से मिला तो एक क्या हो रहा है दो चीजें एक तो जब वाटर का स्प्लिटिंग था तब ल्यूमन में हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हुआ था दूसरा कैरियर इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के बाद जो हाइड्रोजन कैरियर था वो भी ल्यूमन में आकर बैठ गया स्ट्रोमा में क्या हो रहा है स्ट्रोमा में जब हाइड्रोजन कैरियर के लिए हाइड्रोजन की जरूरत थी वो भी स्ट्रोमा ने दिया एनएडीपीएच NADPH को NADPH2 में कन्वर्ट करने की जरूरत थी वो भी स्ट्रोमा ने दिया तो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं ल्यूमन में हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास एक ग्रेडियंट बन रहा है और उस ग्रेडियंट का जब ब्रेक डाउन होगा तो हमारे पास ये लास्ट सिस्टम जिसका नाम है सी एफ जीरो एंड सी एफ वन जिसका नाम है सी एफ जीरो एंड सी एफ वन जीरो बोले तो जो जीरो होगी सब जीरो पहले आता है वन बाद में आता है ये जीरो और ये क्या है सी एफ वन तो हमारे पास ये हाइड्रोजन का ग्रेडियंट जैसे ही टूटेगा ये सी एफ जीरो कहां पर है? में है ये यहां पर क्या था अपने पास यहाँ पे हाइड्रोजन बैठे हुए हैं बहुत सारे यहाँ बहुत सारे हाइड्रोजन 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 बैठे हुए हैं ये क्या करेंगे इस सी एफ जीरो से पास करेंगे पास करके कहां पर पहुंचेंगे सी एफ वन पे और सी एफ वन पे ए डी पी को ए टी पी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इस तरीके से हमारा ए टी पी का सिंथेसिस होता है इसे कहते हैं कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस तो सी एफ जीरो सी एफ वन ये कहाँ है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये कहाँ है थाइलाकॉयड मेम्ब्रेन के बाहर स्ट्रोमा की साइड जैसे ही ग्रेडियंट टूटता है सी एफ वन में उल्टा पलटी होती है सी एफ वन में एक कन्फर्मेशनल चेंज आता है और ए डी पी ए टी पी में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसे प्रोटोन ग्रेडियंट की वजह से हमारे पास क्या होता है हमारे पास ए बनता है दूसरे टर्म डेस्क कीमियो ऑस्मोटिक हाइपो गॉट इट अब हमने बहुत एटीपी बनवा लिए बहुत एडीपी बनवा लिए तो पहला पार्ट हमने खत्म कर दिया जिसे कहते हैं हम क्या लाइट रिएक्शन अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 ये क्लास यार 930 टू 945 के आसपास रहेगी बहुत स्टूडेंट्स पूछते जा रहे हैं कब तक रहेगी कब तक रहेगी 930 से 945 के आसपास तक रहेगी सुनो अब ध्यान से सुनो अब ध्यान से मैं बोले जा रही हूं एटीपी बनेगा एटीपी बनेगा ऑक्सीजन बनेगा ये सब का यूज कहां है तो ये सब का यूज अपना डार्क रिएक्शन में अपना फूड का सिंथेसिस करवाने में जिसे कहते हैं बायो सिंथेटिक फेज बायो सिंथेटिक फेज के अंदर होता है इसीलिए मैंने कहा था इसीलिए मैंने कहा था कि ये भी लाइट डिपेंडेंट होते हैं हालांकि ये क्या है डार्क रिएक्शन है इनके ऊपर डायरेक्टली लाइट नहीं पड़ रही है इनके ऊपर डायरेक्टली आकर लाइट नहीं पड़ रही है लेकिन एटीपी टी एन टू पर ये डिपेंड करते हैं अगर एटीपी होगा अगर एन टू होगा तभी ये रिएक्शन होंगे और वो कब होंगे जब लाइट होगी

अब स्टार्ट करते हैं डार्क रिएक्शन तीन पार्ट बचे हैं बस फटाफट से दो तीन मिनट का अपन ब्रेक लेते हैं इसके बाद स्टार्ट करते हैं हार्डली अब मेरे को आधा घंटा लगेगा अब मेरे को आधा घंटा लगेगा क्योंकि अब बचा ही बस सी थ्री साइकिल सी फोर साइकिल फोटो रेस्पायरेशन है बाकी सब खत्म हो गया नौ बजे तक ब्रेक दे दो तब पर मरूंगी यार एक सेकंड में आई पानी लेके एक सेकंड में आई पानी खत्म हो गया कैन वी कीप नेक्स्ट हाफ टूमोरो मॉर्निंग नो वी कैन नॉट बिकॉज आई हैव वर्क टू डू इन लाइफ ठीक है अभी खत्म करेंगे अभी आ रही हूं कर करके तो थक गई होगी यही तो करती है तू है ना बकवास कर करके थक गई होगी बिल्लो मैं तो तेरे को इतना प्यार से रखती हूँ तो मेरे को रहता है रहता कोर्स में कुछ खास हुआ नहीं है रिकॉर्डेड है क्या रिकॉर्डेड है ये लेक्चर रिकॉर्डेड है कितने बजे हैं तेरी घड़ी में उन्नीस जनवरी आठ पचास मेरी घड़ी में भी उन्नीस जनवरी आठ पचास हुआ है रिकॉर्डेड है लेकिन रिकॉर्डेड है भाई रिकॉर्डेड है, रिकौर्ड़ है। आ, मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया कि सम स्टूडेंट विल कमेंट एग्जैक्टली एट एट फिफ्टी ठीक है चलो बिलू मैं स्टार्ट कर लूँ आगे पढ़ा लूँ बिल्लू सबको

भी अपना खत्म हो जाएगा चलो चलिए जी चलिए 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 स्टार्ट किया जाए अपने पास पास पर वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर वॉर तो टू के बाद क्या हुआ हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेल्विन उन्होंने टौप, टौप पे काम कर रहे थे, कार्बन के आइसोटॉप ऊपर काम, काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है हम क्या कर रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड पे लाइट वाइट डाल के कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करवा रहे हैं तो वो फिक्सेशन करवा के अल्टीमेटली तो क्या बनेगा अल्टीमेटली तो ग्लूकोज बनेगा लेकिन काफी सारे रिएक्शन होते हैं तब जाके ग्लूकोज बनता है और सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनता है उन्होंने कहा सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है PGA, जिसने मुझसे रेस्पायरेशन पढ़ा है उसको पता है PGA में तीन कार्बन होते हैं और फिर बाद में में पता चला कि एक और प्रोसेस प्रोसेस चलती है जिस प्रोसेस में सबसे पहला प्रोडक्ट ओए बनता है ऑक्जेलो एसिडिक एसिड जिसमें चार कार्बन होते हैं इसीलिए इसे कहा जाएगा C3 साइकिल और इसे कहा जाएगा C4 साइकिल सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ क्या बोल रही हूँ सुनते जाना फिर से समझाऊंगी कुछ समझ ना आए शांति रखना समझते जाना समझ आता जाएगा बिल्कुल आ जाएगा मैंने क्या बोला मैंने आपको यहाँ पर बोला हमारे पास CO2 H2O जैसे ही लाइट उस पर पड़ेगी वो हमारे पास सी सिक्स प्लस में अपने पास O2 टू प्लस कुछ एच की ये फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पर करवाता है ये ओवरऑल नेट रिएक्शन होता है मतलब अल्टीमेटली इस कार्बन डाइऑक्साइड से मुझे ग्लूकोज बनवाना है इस कार्बन डाइऑक्साइड से मुझे अल्टीमेटली अपना खाना बनवाना है लेकिन क्या डायरेक्ट सीओ टू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है नहीं काफी सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है एक बार बनता है तीन कार्बन वाला और एक बार बनता है चार कार्बन वाला तीन कार्बन वाला कौन पीजीए चार कार्बन वाला कौन ओ ए तो तीन कार्बन है तो इसे क्या कहेंगे C3 साइकिल चार कार्बन है तो इसे क्या कहेंगे C4 साइकिल क्या यहां तक सबको समझ आया तो CO2 में H2O डाला लाइट पड़ी बनना क्या था ग्लूकोज बनना था लेकिन क्या डायरेक्ट ग्लूकोज बनेगा नहीं काफी सारे स्टेप्स होंगे और उस स्टेप में दो अलग अलग प्लांट होते हैं एक प्लांट होते हैं जिसमें पहला प्रोडक्ट तीन कार्बन का पी बनता है दूसरे प्लांट होते हैं सी फोर प्लांट जिसमें पहला प्रोडक्ट चार कार्बन का एसिटिक एसिड बनता है Am I very clear about it? क्या यहां तक सबको समझ में आया? हाँ आ गया। अब एक बात सुनो ये क्या आया सीओ टू आया ठीक है आ गया इधर हमारे पास एक भैया थे आर यू बी पी जिनका नाम क्या है राइबोस बाई बाईफेट सुनना ध्यान से सुनना ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनना मैं पहले सी थ्री साइकिल पढ़ा रही हूँ तुमको मेरे पास क्या थी कार्बन डाइऑक्साइड आई जिससे मुझे ग्लूकोज बनवाना है कैसे शुरू होता है उसकी कहानी कैसे शुरू होती है कुछ ऐसे होती है मेरे पास CO2 है और इधर मेरे पास आया मेरा आर यू बी पी राइब्यूलोज बाईफेट इसके ऊपर एक एंजाइम जिस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। उस रुबिस्को ने काम किया और काम करके पी जी ए बनवाया कितना बनवाया पी जी ए एक बात बताना पीजीए में कितने कार्बन तीन कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन एक कार्बन तो आर आरयूबीपी में कितने कार्बन होने चाहिए जल्दी बताओ तो आर यू में कितने कार्बन होने चाहिए दो ताकि टू प्लस वन मिलकर थ्री बन जाए होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है आर फाइव कार्बन कंपाउंड इवन साइंटिस्ट को इस बात का शौक लगा साइंटिस्ट को लगा था कि CO2 होगा उससे PGA बनेगा तीन कार्बन का है एक कार्बन CO2 से आ जाएगा और दो कार्बन का कोई कंपाउंड इसके साथ आकर जुड़ जाए तो PGA बन जाएगा उन्होंने सोचा लेकिन एक्चुअली राइबुलोज बायफॉस्फेट इज अ फाइव कार्बन कंपाउंड दैट इज अ फाइव कार्बन कंपाउंड पांच कार्बन होते हैं तो दीदी फिर ये तीन कैसे बना यार फाइव इधर से आया वन इधर से आया टोटल हुआ सिक्स सिक्स टूटा दो पार्ट में तो यहां पर दो पीजीए बने तीन तीन के तो दो पीजी अपने पास बनते हैं तो कुछ इस तरीके से चीजें स्टार्ट होती हैं सी थ्री साइकिल में इधर से आता है सी ओ टू इधर से आता है आर ये क्या करते हैं आर यूबीपी पांच कार्बन का सी ओ टू एक कार्बन का मिलकर बनाते हैं पी जी ए ठीक है तो हमारे पास अब हम पढ़ने जा रहे हैं द कैलविन साइकिल क्योंकि इसको ने दिया था इसीलिए इसका नाम है तो यहां पर तीन स्टेप होते हैं कौन कौन से स्टेप सबसे पहले याद करेंगे सबसे पहले याद करेंगे क्या सबसे पहला जो स्टेप मैंने तुमको बताया क्या उसमें CO2 का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या इस स्टेप का नाम मैं कार्बोक्सीन रख दूं क्या इसमें CO2 का यूज हो रहा है क्या CO2 में मेरा राइबुलोज बाईफॉस्फेट रुबिसको के साथ मिलकर PGA की फॉर्मेशन कर रहा था क्या PGA की फॉर्मेशन कर रहा था जो कि दो बने क्या इसका नाम यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोक्सीलेशन रख दूं कार्बोक्सीलेशन रख दिया उसके बाद अब क्या मुझे बार 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 आर यू बी पी इस कार्बन के साथ अटैच करवाना है तो क्या इसको अगर साइकिल चलवाना है तो क्या इसको बार 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 रीजेनरेट करना पड़ेगा हाँ रीजेनरेट करना पड़ेगा स्टेप नंबर थ्री उसका नाम क्या है रीजनरेशन और क्या किसी भी चीज को रीजनरेट करने में एनर्जी लगती है हाँ लगती है क्या एटीपी एटीपी में कन्वर्ट होती है हाँ होती है तो फिर से रिपीट करो मेरे साथ सबसे पहला स्टेप क्या था ये था पहला स्टेप जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आरयूबीपी के साथ मिलकर दो पीजीए बना रही थी उसे हम कहते हैं कार्बोक्सीलेशन कार्बोक्सिल अपने पास है आर यू पी को बार बार करवाना पड़ेगा स्टेप नंबर थ्री रीजेनरेशन और उसमें एनर्जी तो लगेगी ही तो एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा इसके बाद बचा बीच का स्टेप जिसे कहते हैं रिडक्शन जिसे क्या कहते हैं रिडक्शन और किसी चीज को रिड्यूस कर रहे हैं यहां ए भी लगती है यहां एन टू भी लगता है तो एटीपी भी यूज होती है एनएडी टू भी यूज होता है अब दिख रहे ए टी पी कहा यूज होते हैं एनएडीपी एच टू यूज होते हैं नजर आ रहा है ऐसे तो एक पीजीए एक में एक ए टी पी एक एन ए डी पी एच टू में एक ए टोटल कितने हैं दो तो इधर दो ए यूज हुए दो एन टू यूज हुए एक ए टी यहां यूज हुआ तो इस प्रोसेस में कितने ए का इस्तेमाल हो रहा है थ्री ए का कितने एन टू का इस्तेमाल हो रहा है दो एन टू तो हमारे पास यहाँ पर तीन ए खर्च हो रहे हैं दो एन टू खर्च हो रहे हैं इसको कर दो बंद फिर से रिवाइज करते हैं ध्यान से सुनते जाना मेरे पास यहां पर क्या है तीन स्टेप कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजनरेशन सी आर आर कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजनरेशन कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजनरेशन कार्बोक्सिलेशन बोले तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ ना कुछ होगा CO2 टू प्लस आर मिलकर क्या बनाएंगे PgA मेरे पास यहाँ पर बनाएंगे दो फॉस्फोग्लिसरेट मेरे पास यहाँ पर बनाएंगे अब क्या होगा अब उनका रिडक्शन होगा रिडक्शन होकर अपने पास यहाँ पर क्या होगा वो किसमें कन्वर्ट होंगे वो कुछ ट्राई में और इस इस स्टेप में बनती है ग्लूकोज दीदी आपने ये तो कहीं बताया ही नहीं कि ग्लूकोज बन कर रही है यहां बनती है ग्लूकोज एक सीओ टू में एक कार्बन और ग्लूकोज में कितने कार्बन छह कार्बन तो एक ग्लूकोज के लिए छीओ टू चाहिए और अभी अभी एक सीओ टू इस्तेमाल करके दिखाई एक सीओ टू में कितने एटीपी वेस्ट हो रहे हैं दो एटीपी वेस्ट हो रहे हैं दो एनएडीपीएच टू वेस्ट हो रहे हैं तो तुम खुद सोच के देखो तुम खुद सोच के देखो कितनी मुश्किल से एक ग्लूकोज बनता है एक ग्लूकोज बनाने के लिए बारह ए टी पी प्लस बारह एन ए डी पी एच टू वेस्ट होते हैं और तो और ये रीजेनरेट भी करवाना पड़ेगा तो एटीपी यहां भी तो टोटल अठारह ए टी पी प्लस बारह एन ए डी पी एच टू टोटल एक्स एक CO2 जब यूज हुआ था तो तीन ATP यूज हुए थे, दो NADPH2 और छह CO2 मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। तो into six कर दो इन दोनों को into six तो तीन ATP ADP में कन्वर्ट हुए, 12 NADPH2 12 NADP में कन्वर्ट हुए तब जाकर तब जाकर एक ग्लूकोज बनता है। और अब तुमको समझ में आया? अब तुमको समझ में आया हमारे पास जब साइक्लिक साइक्लिकॉस्फोरिलेशन अपन ने करवाई थी तो उसमें सिर्फ ए बनते थे जबकि नॉन साइक्लिक में ए भी बनते थे एन भी बनते थे तो ए ज्यादा चाहिए इसीलिए साइक्लिक फॉस्फोरेशन भी होती है तो साइक्लिक फॉस्फोलेशन बोलता है मैं तो सिर्फ ए टी पी एंड बनाऊंगा तो फिर से अपन अपन रिवाइज करते हैं मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट्स रिवाइज करेंगे फटाफट मुझे बोलते जाओ कैल्विन साइकिल इसी के साथ कैलविन खत्म सही बात है भाई तुम क्या जानो ग्लूकोज की कीमत रमेश बाबू क्या क्या स्टेप्स हैं फटाफट सबसे पहले कार्बोक्सीलेशन रिडक्शन एंड रीजनरेशन कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजेनरेशन याद करते हैं सुनते जाओ क्या-क्या स्टेप्स मेरे पास यहाँ पर है यार याद करते हैं फटाफट फटाफट सुनते जाओ कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजनरेशन फिर से कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजनरेशन कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है CO2 मेरे पास यहाँ पर था इसमें RUBP राइबुलोज फास्फेट जिसमें पांच कार्बन थे वो आकर जुड़ा और रुबस्को की प्रेजेंस में इन्होंने क्या बनाए पीजीए के दो मॉलिक्यूल मेरे पास यहाँ पर बनाए अब ये क्या करेंगे ये मेरे पास स्टार्च वार्च की कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करवाएंगे किस प्रोसेस में रिडक्शन में और यहाँ पर दो एटीपी एंड दो एन खर्च होंगे उसके बाद स्टार्च से क्या अब मुझे वापस से आरयूबीपी को रीजेनरेट करवाना है हाँ करवाना है यहाँ भी एक एटीपी मेरे पास वेस्ट होता है इधर भी एक एटीपी की जरूरत होती है ये अपने पास यहाँ पर हो गया कैलविन साइकिल और ये जो हमारे पास यहाँ पर स्टार्च बना है ये जब छह सीओ टू आए ये तो एक सीओ टू बताया ऐसे ऐसे जब सिक्स सीओ टू बनेंगे तब जाके एक ग्लूकोज बनता है तो एक सीओ टू में तीन ए टी पी दो एन यूज हुए थे तो छह बार में अठारह ए और बारह एन यूज होते हैं तो क्या हो गया सी साइकिल कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजनरेशन कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजनरेशन नंबर वन कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन का कुछ ना कुछ तो CO2, टू आर क्या करा पीजीए बनाया फिर दूसरा रिडक्शन रिडक्शन में क्या किया रिडक्शन में रिड्यूस हुआ रिड्यूस होके ग्लूकोज ग्लूकोज अपने पास बनाया वहां पर छह बार जब ये प्रोसेस चलेगी तब जाके ये बनेगा दो एटीपी यूज हुए दो एनएडीपीएच यूज हुए उसके बाद अपने पास रीजनरेशन आरओबीपी बार-बार रीजेनरेट तो करवाना पड़ेगा तभी तो यह एक साइकिल बनेगा तो उसके इसमें एक एटीपी यूज क्या हुआ एक ए यूज हुआ तो ये अपने पास टोटल हो गया इसके बाद आता है सी फोर पाथवे ये किसमें देखने को मिलेगा जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन होते हैं ड्राई ड्राई से पेड़ जहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है बहुत हाई टेम्परेचर होता है हाई हाँ लाइट इं, इंटेंसिटी अपने पास होती है वहां देखने को मिलता है वहां देखने को मिलता है ठीक है और इसके अंदर नाम है C4 फोर पाथवे तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा चार कार्बन का जिसका नाम है ऑग्जेलो एसिटिक एसिड एसुट। दीदी क्या जो प्लांट्स C4 होते हैं क्या जो प्लांट्स C4 होते हैं उनको उन प्लांट्स में सीथ साइकिल नहीं होता यार तुम कमेंट सेक्शन में बात करना बंद करोगे और पढ़ाई पे ध्यान दोगे ध्यान ही नहीं दे रहे फिर बोलोगे समझ नहीं आया ढाई like घंटे का retention नहीं है इधर देखो ध्यान दो सुनो मैं क्या बोल रही हूं सी फॉर साइकिल बचाए फोटो रेस्परेशन बचाए चैप्टर सुन तो लो सुन लो ध्यान से क्या है मेरे पास यहां पर C4 pathway. C4 pathway, dry, dry सी फोर पाथवे सी फोर पाथवे ड्राई ड्राई सी जगह में जहां बहुत टेम्परेचर होता है ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में हाई टेम्परेचर वाली जगह में हाई लाइट इंटेंसिटी वाली जगह में होता है और यहां पर एक प्रोसेस जिसका नाम है फोटो रेस्पाइरेशन वो नहीं होती अभी मैं पढ़ाऊंगी वॉट इज फोटो रेस्पायरेशन वो फोटो रेस्पायरेशन नहीं होती उसकी वजह से यहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो सी प्लांट्स इनफैक्ट अच्छे हैं ये ज्यादा टेम्परेचर भी टॉलरेट कर लेते हैं और ये हमारे पास ड्राई जगह पे भी उग जाते हैं और इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है कमाल के हैं सी प्लांट्स और कैसे हैं इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है इनकी लीफ की अनाटमी

तो ऐसी एनाटमी होती है उनकी लीफ की किनकी सी4 प्लांट्स के लीफ की उनमें क्या होती है क्रैंज एनाटमी कौन सी क्रैंज एनाटमी इन ड्राई ट्रॉपिकल ट्रॉपिकलRegions हाई टेंपरेचर और हाई प्रोडक्टिविटी फिर से सुनो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हाई टेंपरेचर हाई प्रोडक्टिविटी खुद अडॉप्टेड होते हैं हमारे पास स्पेशल एनाटमी होती है क्रैंज एनाटमी यहां पर होती है जिसमें वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड बंडल शीत सेल एक शीत बना लेते हैं वहां लार्ज साइटोप्लाज्म थिक वॉल और कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है और सी फोर पाथवे का एग्जाम्पल हो गया अपना मेज एंड सॉर्गम अपना एम एस मेज एंड सॉर्गम मेज एंड सॉर्गम मेज एंड सॉर्गम ठीक है और इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा C4 और C4 प्लांट्स में कैलविन साइकिल भी चलता है अभी ध्यान से देखते जाओ मैं तुमको पढ़ाती हूं C4 पाथवे इस पाथवे का नाम होता है हैच एंड स्लैक पाथवे हैच सब कुछ हैच करके चले जाते हैं किसी चीज को छोड़ते ही नहीं है इतनी गजब प्रोडक्टिविटी इनकी है सबको ले लेते हैं तो कैलविन साइकिल यूनिवर्सल है प्लांट्स में भी होता है C3 साइकिल और C4 प्लांट्स में भी होता है C3 साइकिल अब सुनो ध्यान से कैसे होता है सुनो मेरे पास कुछ नहीं होता एक होता है यहां पर अभी अभी मैंने क्रैंच एनाटॉमी की बात करी अभी अभी मैंने बंडल शीत सेल की बात करी तो ऊपर होते हैं इसमें बंडल शीत सेल्स अंदर वही जैसे C3 प्लांट्स में थे क्या मीजोफिल सेल्स यहीं पे तो होती है असली फोटोसिंथेसिस इसमें क्या है इसमें मीजोफिल सेल के यहां पर क्या है बंडल शीत सेल क्या हुआ क्या हुआ हमारे पास अब इसको जस्ट उल्टा कर दो इसको मीजोफिल कर दो इसको बंडल शीत कर दो उल्टा नहीं कर पाऊंगे ना हाँ अब क्या हुआ हमारे पास ध्यान से देखते जाना अपने पास क्या होगा सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आएगी क्या करेगी इधर सी ओ टू आएगी अब की बार क्या बनना है ओ ए बनना है किसकी हेल्प से इसमें PEP पी आकर जुड़ता है और ओ ए जो कि चार कार्बन का था वो बनता है क्या होता है इधर मीजोफिल सेल थे इधर बंडल शीत सेल हैं सबसे पहले सी ओ टू आई पिछले केस में क्या हो रहा था CO2 के साथ आर जुड़ रहा था मैं साथ साथ दोनों को कंपेयर करके बताती जाती हूं देखते जाओ मेरे पास यहां पर C3 की बात यहां C3 लिखती हूं, यहां C4 लिखती हूं। इसमें सबसे पहले CO2 आया था जिसमें आर आकर जुड़ा था रूबिस्को ने इसके ऊपर काम किया था और मेरे पास बना था PGA। यहां पर क्या होगा यहां... न... जिसमें क्या थे मैं अटक गई क्या लैग हो गया था क्या ठीक है मैं मैं फिर से बताती हूं मैं फिर से बताती हूं मेरे पास यहां पर क्या है C3 थ्री एंड सी क्या है मेरे पास यहां पर C3 थ्री एंड सी C3 में क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पर CO2 था RUBP था रुबिसको ने उस पे काम करा और बन गया PGA C4 में क्या है CO2 है PEPCASE पे, है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है PEPCASE ने काम करा और बन गया OEA अब क्या हुआ अब ये OEA और दूसरे 4 कार्बन के कंपाउंड जैसे कि मैलिक एसिड एस्पैरेटिक एसिड उनमें कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होता होता कहाँ पहुँचेगा वो पहुँच जाएगा बंडल शीत सेल में तो मैलिक एसिड एस्पैरेटिक एसिड ये कहाँ पहुँच जाएंगे बंडल शीत सेल में इनके पास भी कितने कार्बन हैं इनके पास भी चार कार्बन हैं इनके पास भी क्या है चार कार्बन अब ये क्या करेंगे एक सीओ टू की फॉर्मेशन करेंगे तो चार कार्बन में से एक तो सीओ टू चला गया और एक बचेगा तीन कार्बन वाला कंपाउंड जहां CO2 दिखेगी उधर तो C3 साइकिल चलेगा और ये जो C3 तीन कार्बन वाला कंपाउंड है ये तीन कार्बन वाला कंपाउंड वापस से मेसोफिल सेल में आ जाएगा और वो क्या है PEP PEP में ही तो तीन कार्बन थे तो ये क्या हो गया रीजेनरेट हो गया तो असल में कुछ नहीं हुआ अंदर चल C3 साइकिल रहा है अभी भी अंदर C3 साइकिल ही चल रहा है लेकिन बस क्या हुआ दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया एक स्पेशल एनाटॉमी है बंडल शीथ सेल यहां पर प्रेजेंट है सुनो मेरी बात फिर से ध्यान से CO2 इस केस में क्या था CO2 से RuBP पांच कार्बन का आकर जुड़ता था PGA बनता था C4 में CO2 से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट आकर जुड़ता था ऑक्सैलो एसिड आकर बनता था वो ऑक्सैलो एसिड चार कार्बन का है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता होता कहां पहुंचेगा बंडल शीत सेल में बंडल शीत बोलेंगे भाई चार कार्बन नहीं हम CO2 निकाल देते हैं हम तो तीन कार्बन की फॉर्म में रहेंगे तो ये CO2 तो अब कहां चला जाएगा इसमें पार्टिसिपेट करने C3 साइकिल में पार्टिसिपेट करने और ये C3 कहाँ चला जाएगा ये जिसमें तीन कार्बन थे ये कार्बन जिसमें तीन तीन ही कार्बन थे सॉरी ये कंपाउंड जिसमें तीन ही कार्बन थे वो वापस से मीजोफिल सेल में चला जाएगा तो कुछ नहीं है सेम चीज अपने पास यहां पर है क्या मेरे पास है सबसे पहले यह मीजोफिल सेल है ये बंडल शीत सेल है मीजोफिल सेल में क्या हुआ एटमोस्फेरिक सी ओ टू फोस्मो पायरवेट से जुड़कर क्या बना लिया उसने चार कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसेट बना लिया ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसेट मैलिक एसिड एस्पैरेटिक एसिड में कन्वर्ट होगा और इसमें से एक सीओ टू निकल जाएगी बचेंगे क्या सिर्फ तीन कार्बन ये तीन कार्बन वापस से रीजेनरेट करके फिर से क्या बना देंगे PEP, बना देंगे, ये हो गया अपना सी फोर साइकिल हैच एंड स्लैक ये दोनों सिस्टम याद रखना बस बाकी सब सबसे ठीक है इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है फोटो रेस्पायरेशन तो मैं जब से आपको बोले जा रही हूं कि CO2 से RUBP जुड़ता है रुबिस्को उसको PGA में कन्वर्ट कर देता है सो वी आर टॉकिंग अबाउट भैया रुबिस्को। चलिए रुबिस्को भैया के बारे में बात करते हैं किसके बारे में रुबिस्को भैया के बारे में क्या है रुबिस्को भैया के अंदर C से CO2 O से O2 तो अगर यहां पर CO2 आया ये उसकी भी फिक्सेशन करेगा और उसकी जगह पर अगर O2 आया O2 की भी फिक्सेशन करेगा ये दोनों की फिक्सेशन कर सकता है सुनना ध्यान से फिर से मेरे पास इसका नाम क्या है इसका नाम है रूबिस्को दोगलापन है इसमें दोगलापन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है इसमें ऑक्सीजन भी है अगर कार्बन उसकी भी फिक्सेशन उसको भी कहेगा हाँ जी हाँ जी आपका काम हम कर देंगे अगर ऑक्सीजन आया उसकी भी फिक्सेशन उसको भी कहेगा हाँ जी हाँ जी हम आपका काम भी कर देंगे लेकिन अगर दोनों सेम सेम टाइम पे आए तो फिर थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा प्रेफर करता है कंपटीशन अगर दोनों का हो इक्वल अमाउंट में तो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज बेटर लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्यादा है फिर ऑक्सीजन की तरफ डोल जाता है तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ओ की कंसंट्रेशन सेम सेम है तो फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा लेकिन अगर ओ की कंसेंट्रेशन ज्यादा है फिर ओ के साथ जुड़ेगा और अगर ओ के साथ जुड़ गया तो ये फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है ये कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं दो कार्बन फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड दीज कंपाउंड आर वेस्ट वेस्ट ना तो कोई ना तो कोई शुगर बनेगी ना कोई एटीपी बनेगी वेस्टफुल प्रोसेस तो अगर ऑक्सीजन आई तो बिना बात की वेस्टेज होगी वेस्टफुल प्रोसेस तो सीथरी साइकिल जब तुमने पढ़ा था सीथरी साइकल में यहां पर यहां पर क्या हो रहा है यहां पर रुबिस्को काम कर रहा है तो अगर सी ओटू की जगह O2 आ गया ना तो फोटो रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगी साइकिल नहीं सी थ्री प्लांट्स, प्लांट्स, प्लांट्स में जहां पर एटमोस्फेयर कॉन्टेक्ट में आता है वहां रुबिस्को है ही नहीं जहां एटमोस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आती है वहां रुबिस्को है ही नहीं रुबिस्को तो अंदर छुपा हुआ है कैलविन साइकिल में होता है रुबिस्को रुबिस्को तो अंदर छुपा हुआ है तो इस सी फोर प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होती इसीलिए मैंने बोला था सी फोर प्लांट्स ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं इन कंपैरिजन टू सी थ्री प्लांट्स अब समझ में आया क्या सभी लोगों को सी थ्री सी फोर एंड फोटो रेस्पायरेशन समझ आया मैं एक चार्ट बनवा दू तुमको एक बहुत प्यारा सा चार्ट अपन यहां पे ऐसे करके बना लें C3, C4 एंड फोटो रेस्पायरेशन सभी स्टूडेंट्स को चैलेंज देती हूं जितना याद आ रहा है सभी स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं अ चैलेंज फॉर यू ऑल लेट्स सी सी थ्री सी फोर फोटो रेस्पायरेशन कौन पहले अपने चार्ट में बनाता है फटाफट से पेन कॉपी ले ले आओ, रफ पेज आओ। फटाफट 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 फटा 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 फटा। मैं स्टार्ट कर रही हूं मेरे पास CO2 आया, इधर आया RUBP. किसकी प्रेजेंस में? रुबिस्को की प्रेजेंस में इसने बनाए दो पीजीए के मॉलिक्यूल्स ये था इसका पहला स्टेप जिसका नाम था कार्बोक्सीलेशन उसके बाद मेरे पास यहां पर दो ए वेस्ट हुए दो एन ए डी पी एच टू वेस्ट हुए और मेरे पास यहां पर हमने क्या किया हमने दूसरा प्रोसेस यहाँ पर चलवाया जिसका नाम होता है रिडक्शन और ऐसी प्रोसेस जब सिक्स टाइम्स चली तब जाके एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई और अब मुझे तीसरी चीज रीजेनरेशन भी करवानी है किसकी आर यू बी पी की तो उसमें भी एक ए वेस्ट होता है मतलब टोटल ये छ और ऐसा कितनी बार होगा छ बार तो 18 ए और 12 एन ए लगते हैं ये हो गया मेरा C3 मेरे को इतना ही आता है C3 इसमें क्या हुआ CO2 आया किसमें ये मीजोफिल सेल में फिर बात करेंगे बंडल शीत सेल में CO2 आया किससे आकर जुड़ा पेप से पेप में देखते हैं कौन पहले करेगा कंपटीशन है कंपटीशन पेप केस ने मिलकर बनाया ये तीन कार्बन का था इसने बनाया चार कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक कन्वर्ट होता होता किसमें मैलिक एसिड में एंड एस्पैरेटिक एसिड में कहाँ पर पहुंच गया बंडल शीत सेल के अंदर इनमें कितने कार्बन थे चार कार्बन इन्होंने बोला एक सी ओ टू अलग कर देते हैं बचेंगे कितने तीन तीन कार्बन ये तीन कार्बन ये वापस चले जाएंगे उधर और रीजेनरेट करके किसकी फॉर्मेशन कर देंगे रीजेनरेट करके वापस से बना देंगे अपने पेप भैया को जबकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दिखते ही वापस से ये कैलविन साइकिल यहाँ पर चल जाएगा जो अभी अभी मैंने यहाँ पर सीथरी साइकिल लिखा है और यहाँ पर बनेगा ग्लूकोज इसके बाद आता है फोटो रेस्पायरेशन इसमें हमारे पास होता है रुबिस्को भैया दोगले भैया अगर सी ओ टू आया ओ टू आया सी ओ टू आया तो सी थ्री साइकिल चलेगा अगर ओ टू आया तो फोस्फोग्लिसरेट एंड फोस्फोग्लाइकोलेट बनेंगे जिनमें दो कार्बन होते हैं जिनका घंटा कोई इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर ना तो मेरे पास ए बन रही है ना मेरे पास शुगर बन रही है बिना बात का मेरा रुबिस्को भी यूज हो गया सो दिस इज अ कंप्लीट वेस्टफुल प्रोसेस जबकि और यह C3 प्लांट्स में देखने को मिलती है जबकि C4 प्लांट्स में बंडल शीत सेल के अंदर छुपा होता है रुबिस्को, रुबिस्को बंडल सेल में छुपा होता है, इसलिए C4 प्लांट्स में यह प्रोसेस देखने को नहीं मिलती किस किस ने किस किस ने मुझसे पहले कंप्लीट कर लिया था सच सच बोलना किस किस ने मुझसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरी शक्ल घटियाई तो फिर देखना किस किसने मुझसे पहले इसको कंप्लीट कर लिया था किस किसने मुझसे पहले कंप्लीट कर लिया था सच्ची सच्ची बोलना किस किसने मुझसे पहले कंप्लीट कर लिया था नाइस यार आई एम इंप्रेस्ड आई एम इम्प्रेस्ड ठीक है तो अब ये डब्बा भर के देख लेना सब तुम्हारा हो जाएगा साथ में भरते हैं चलो साथ में भरते हैं फटाफट फड़ कमेंट सेक्शन में मिलके मजा आ जाएगा पूरे जोश के साथ भरते हैं आ जाओ आ जाओ सेल्स इन विच कैलविन साइकिल सी थ्री प्लांट्स कहां पर होता है मीजोफिल सेल्स में सी फोर प्लांट्स में मीजो बोथ में मीजोफिल सेल में भी बंडल शीट सेल में भी क्या सबका ये क्वेश्चन डन डन अगला क्वेश्चन सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर यहाँ पर किस में होता है मीजोफिल सेल्स में यहाँ पर भी किस में होता है मीजोफिल सेल्स में नेक्स्ट हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स सी ओ टू कितने तरीके के सेल अपने पास यहां पर होते हैं बंडल शीट सेल भी मीजोफिल सेल भी हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स बंडल शीट सेल भी करते हैं मीजोफिल सेल भी करते हैं तो टू what is the primary co अच्छा कितने इसमें एक इसमें दो इसमें सिर्फ मेसोफिल इसमें मेसोफिल बंडल शीट दोनों दो ये पूछ रहा था क्वेश्चन what is the primary co2 acceptor फटाफट इसमें सब इसमें तो शुरू में आरयूबीपी भैया आ गए थे इसमें आरयूबीपी भैया नहीं इसमें पहले पेप भैया आए थे नंबर ऑफ कार्बंस इन द प्राइमरी co2 एक्सेप्टर आरयूबीपी कितने कार्बन पांच कार्बन पेप में कितने कार्बन तीन कार्बन

अच्छा विच सेल्स इन द प्लांट विच सेल्स इन द प्लांट इसमें मीजोफिल इसमें बंडल शीत कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट हाई अंडर कौन सी लाइट कंडीशन में ये हाई लाइट कंडीशन में करता है ये मीडियम सी लो लाइट कंडीशन में करता है वेदर फोटो रेस्पायरेशन इज प्रेजेंटेड लो लाइट इंटेंसिटी फोटो अपने पास यहां पर होगी कि नहीं होगी हाँ होगी इसके लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम ये ये क्वेश्चन अभी मैं बताती हूँ इसके लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम कौन सा इसके लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम अपने पास होगा थोड़ा कम वाला तीस चालीस के आसपास कितना टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है ये क्वेश्चन अपने को देखना पड़ेगा एनसीईआरटी के अंदर दे नहीं रखा कहीं पे थ्योरी में वैसे देख लेते हैं टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर सी थ्री बीच सी का होना चाहिए 18 से 24 तो 20-25 के आसपास कर लो इसको किसी और ने कर रखा था क्या ये ऑप्टिमम टेम्परेचर तू 18 तू 24 डिग्री सेल्सियस ठीक है तो इसका कर लेना 20 से 25 और इसका कर लेना अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस ठीक है वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंटेड हाई चीओ टू कंसेंट्रेशन

ठीक है यार इसको ठीक कर लेना फिर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं थर्टी टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस प्लीज ये दो तीन क्वेश्चन चेक कर लेना ये दो तीन क्वेश्चन एक बार नेट पे या किसी टीचर ने तुमको बताया हो तो एक बार चेक कर लेना और किसी ने कर लिया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कर देना मैं कमेंट सेक्शन में इस, इस चीज़ को पिन कर दूंगी प्लीज कमेंट सेक्शन में ये कर देना मैं कमेंट सेक्शन में उस चीज को पिन कर दूंगी ठीक है इसके बाद अपने पास लास्ट टॉपिक इस क्लास का आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंटरनल में क्या हो गया कितना उनका नंबर है एज है लीव्स कैसे ओरिएंटेड थे पैरेलल थे हमारे पास वहां पे उसके अंदर कैसी ओरिएंटेशन थी मीजोफिल कैसे हैं क्लोरोप्लास्ट कैसा है सीओ टू का कंसेंट्रेशन कितना है तो ये सब चीज़ें जेनेटिक्स पे प्लांट ग्रोथ पे डिपेंड करती हैं ये सब चीजें तो हो गई इंटरनल फैक्टर हमारे भी मेरे को भी इंटरनली चीज मेरे को अफेक्ट करती हैं और दूसरा क्या हो गया मेरे पास यहां पर एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स में चार फैक्टर होंगे कौन कौन से फैक्टर सनलाइट टेम्परेचर सी ओ टू एच टू ओ कौन कौन से ध्यान से याद करते जाना ध्यान से सुनते जाना मैं इसको कैसे याद रखती हूं सबसे पहले ऊपर देखो सबसे पहले ऊपर देखो क्या तुम सभी लोगों को ऊपर दिखते ही क्या तुम सभी लोगों को ऊपर दिखते ही यार मैं मिनट मिनट में कर, दस में कॉल कॉल कर करती ठीक है तो मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ जैसे ही मैंने ऊपर देखा ऊपर दिखते ही क्या मुझे सनलाइट दिख रही है और सन से क्या मुझे टेम्परेचर वहां पर नजर आ रहा है क्या मुझे सन से टेम्परेचर नजर आ रहा है हाँ आ रहा है उसके बाद अब अपने आसपास देखो मेरे को तो कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड नजर आ रही है हाँ आ रही है उसके बाद नीचे देखो क्या पानी नजर आ रहा है आ रहा है तो चार कंडी, चार कंडीशन हो गई सनलाइट टेम्परेचर आसपास कार्बन डाइऑक्साइड नीचे एच सनलाइट टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड एच सनलाइट टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड एच अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ो एक बात मुझे बताओ एक बात बताना तुमको जिंदगी में तुम्हारे पास कपड़े होंगे तुम्हारे पास अच्छा घर हो होगा तुम्हारे पास अच्छे माँ बाप होंगे तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी लाइफ में लेकिन इस टाइम पे ना तुमको ऐसा लग रहा है मेरा नीट नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा तुम्हारे लिए उस चीज़ की दिक्कत है तुमको फिर तुम्हारा नीट में हो जाएगा तुम मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाओगे फिर तुमको होगा गर्लफ्रेंड नहीं बन रही नंबर नहीं आ रहे ये नहीं हो रहा हमको अभी नीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कॉलेज में पहुंच जाओगे गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लग जाएगी कि गर्लफ्रेंड बननी नहीं तो तो कैसे हो गया पीजी इंपॉर्टेंट लगने लग जाएगा तो वैसे तो हमारी लाइफ में हमारे पास बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं हम भगवान ने हमको हाथ दे रखे हैं कान दे रखे हैं नाक दे रखा है मान लो भगवान आंख नहीं देता आंख नहीं देता तो क्या बोलते तुम लोग कि मेरे को आंख नहीं दे रखी हर रोज रोते कि भगवान ने मेरे को आंख नहीं दी आंख नहीं दी आंख नहीं दी तो हमारे पास जो चीज़ नहीं होती ना जो चीज कम होती है हम उसके लिए रोते हैं हमको लगता है कि वही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही चीज़ हमारी जिंदगी को अफेक्ट करना शुरू कर देती है ऐसे ही प्लांट्स के साथ है ऐसे ही प्लांट्स के साथ है प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है सब चीजें इक्वली कंट्रीब्यूट करती हैं लेकिन जो चीज़ ऑप्टिमल लेवल से उसके पास कम है वो उसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी एंड दिस इज ब्लैक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो भी फैक्टर हमारे पास लिमिटिंग होता है लिमिट में होता है कम होता है वही हमारी जिंदगी को अफेक्ट करता है और ये हमारी जिंदगी का काला सच है ब्लैकमैन का सच है दिस इज एज मीन लॉ हम so हम क्या है एक chemical process है, एक बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी कौन डिटरमाइन करेगा विच इज मिनिमल वैल्यू वो चीज जो इस टाइम पे हमारे पास नहीं है वो हमको अफेक्ट करेगी डायरेक्टली अफेक्ट करेगी जैसे एक एक ग्रीन प्लांट है एक ग्रीन लीफ है उसके पास लाइट भी है सीओ टू भी है लेकिन अगर टेम्परेचर कम हुआ तो उसकी जिंदगी अफेक्टेड रहेगी वो रोज रोएगा कि मेरे पास टेम्परेचर नहीं है मेरे पास टेम्परेचर नहीं है मैं नहीं करूंगा फोटो ऐसा ही होता है तो प्लांट कोई अलग नहीं है उनमें भी ऐसा ही होता है ठीक है तो इसीलिए हर चीज इंपॉर्टेंट होती है लाइट लाइट की क्वालिटी लाइट की इंटेंसिटी, कितनी देर तक हम लाइट में रह रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट होता है तो जब हमारी लाइट कम थी देखो यहां पर लाइट क्या थी कम लाइट कम थी तो हमको क्या लग रहा था कि मैं फोटोसिंथेसिस नहीं करूंगा तो जब लाइट एकदम कम थी हमने मना कर दिया फोटोसिंथेसिस करने के लिए फिर लाइट थोड़ी 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 थोड़ी, थोड़ी बढ़नी शुरू हुई घंटा फर्क नहीं पड़ता अब लाइट को हम वैल्यू देना बंद कर देंगे तो जब लो लाइट थी तब तो लाइट को हम वैल्यू दे रहे थे थोड़ी 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 लाइट आई तो हम खुश होते जा रहे थे फोटोसिंथेसिस बढ़ाते 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 जा 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 रहे थे, बढ़ाते जा रहे रहे थे, थे, थे। लेकिन एक टाइम के बाद जब लाइट हमारे पास अच्छी खासी है उसके बाद हम क्या हो गए अब लाइट को जब लाइट इंटेंसिटी तो थी तब लाइट के लिए रो रहे थे ठीक है लेकिन जनरली क्या होता है सनलाइट हर जगह होती है सिर्फ किसको छोड़ के मान लो कोई डार्क या शेडी डेंस फॉरेस्ट है उनको छोड़ के बाकी जगह सनलाइट होती है और सनलाइट का सिर्फ टेन परसेंट यूज़ होता है सिर्फ टेन परसेंट तो इसीलिए सनलाइट की तो कमी होती ही नहीं कभी जैसे अपने पास पानी अपने पास खाना यूजुअली अपने पास होता ही है तो हमको खाना पानी उतना इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं लेकिन उस बच्चे से पूछो जो रात में सो नहीं पा रहा जो रात में भूखा सोता है उससे पूछो उसको कितना इंपॉर्टेंट लगता है दो रात रात में रोटी ठीक है तो इसीलिए ये जनरली लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है जैसे हमारे लिए रोटियां तुम्हारे माँ बाप तुमको नेट दे पा रहे हैं तो तुमको रोटियां तो दे ही पा रहे होंगे तो तुम्हारे माँ बाप तुमको रोटियां दे पा रहे हैं अच्छा खाना टाइम पे दे पा रहे हैं तो तुमको वो कभी उसके लिए रोते ही नहीं तुम रोटियों के लिए कभी रोते ही नहीं ऐसे प्लांट कभी लाइट के लिए रोता नहीं क्योंकि सन उनको उसको देता रहता है जिसमें से वो दस ही खाते हैं ठीक है और अगर ज्यादा हो गई लाइट तो क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो सकता है वो तुमको पता है ठीक है उसके बाद दूसरा आता है सीओ टू का, का कंसेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड अपने आसपास कार्बन डाइऑक्साइड कम है एंड दिस इज मेजर लिमिटिंग फैक्टर जैसे तुम्हारे पास अभी नीट नहीं है सो दैट इज योर मेजर लिमिटिंग फैक्टर ऐसे ही उसके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है क्योंकि हमारे पास 0.03 से 0.04 परसेंट इतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड होती है अगर इसको जरा सा बढ़ा के मैंने 0.05 कर दिया ना तो अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी लेकिन तुमको नहीं लगता कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अपने एनवायरमेंट में बढ़ गई अपन मर जाएंगे अपन मर जाएंगे तो ये डैमेजिंग होती है ठीक है ना तो हाई लाइट इंटेंसिटी पे बोथ C3 एंड C4 दोनों हमारे पास क्या करते हैं लाइट जब हमारे पास लो लाइट कंडीशन होती है तो ना तो C3 थ्री रिस्पॉन्ड करेगा ना C4 फोर रिस्पॉन्ड करेगा क्यों क्योंकि अभी तो लाइट कम है तो नीदर C3 थ्री नॉर सी फोर रिस्पॉन्ड टू हाई सी यू टू कंडीशन लेकिन एट हाई लाइट इंटेंसिटी लाइट तो अब अच्छी खासी है नाउ लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर अब C3 और C4 क्या करेंगे CO2 से अफेक्ट होंगे और अभी अभी तुमको पता है सीथनी में क्या होती है फोटो रेस्पायरेशन फोटो रेस्पायरेशन को बचाने के लिए क्या इसको ज्यादा सीओ टू की जरूरत होती है हाँ होती है तो ये कहाँ पर फोर फिफ्टी पर जाकर सैचुरेट होता है और सी फोर को थोड़ी सी कम कार्बन डाइऑक्साइड दोगे तब भी उसका काम चल जाएगा तो वो 360 पर जाकर सैचुरेशन शो करता है क्यों क्योंकि c3 में फोटोरेस्पिरेशन होती है फोटोरेस्पिरेशन होती है तो उसको ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो ये अपने पास हो गया co2 तो लाइट मेरे पास अगर कम है तो फिर तो लाइट के लिए रोएगा पौधा लेकिन अगर लाइट ज्यादा है तो अब co2 के लिए रोएगा यही अपने पास यूजुअली देखने को मिलता है और 450 एंड 360 ठीक है तो करंट सी ओ टू लेवल्स आर लिमिटिंग फॉर सी सॉरी लिमिटिंग फॉर प्लांट अगर सी ओ टू की कंसेंट्रेशन हमने बढ़ा दी तो प्रोडक्टिविटी अब भी अपने पास बढ़ जाएगी और यही कॉन्सेप्ट होता है ग्रीन हाउस क्रॉप का उसमें हम क्या करते हैं उस डब्बे में जैसे ही लाइट हमारी पड़ती है वो लाइट अब रिफ्लेक्ट होकर वापस जा नहीं पाती तो उस ग्रीन हाउस में सी ओ टू का अमाउंट बढ़ जाता है सीओ टू का अमाउंट बढ़ते ही अपने टोमेटो की बेल पेपर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस फिर आता है लास्ट टेम्परेचर डार्क रिएक्शंस में टेम्परेचर जो भी एंजाइम्स वगैरह हैं एंजाइम तो टेम्परेचर के बेसिस पे काम करते हैं तो टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं जबकि लाइट रिएक्शन में कोई एंजाइम वेंजाइम थे नहीं तो टेम्परेचर के ऊपर उनके ऊपर असर पड़ता भी नहीं है सी थ्री प्लांट थोड़े कम टेचर में रहना पसंद करते हैं ट्रॉपिकल प्लांट हाई में रहना पसंद करते हैं तो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल प्लांट्स प्लांट्स पर में ज्यादा लाइट होती है तो लाइट के हिसाब से अडेप्ट हो जाते हैं टेम्परेट क्लाइमेट में कम होती है तो उसके हिसाब से अडेप्ट हो जाते हैं अडेप्शन अपने पास होती है ये तुमको समझ आई गया डार्क रिएक्शन में क्या यूज होते हैं पेपकेज यूज हुआ था रुबिस्को यूज हुआ था एंजाइम यूज हुए थे ना एंजाइम को कौन अफेक्ट करेगा टेम्परेचर अफेक्ट करेगा जबकि लाइट रिएक्शन में हमने कोई पी एस टू पी वन पढ़ते हुए कोई हमने एज सच कुछ पढ़ा नहीं था तो उसमें टेम्परेचर से वो कम अफेक्ट होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉटर जो कि स्प्लिटिंग हुआ था लाइट रिएक्शन में वॉटर का उसी ने इलेक्ट्रॉन दिए थे ये स्टोमेटा को भी अफेक्ट करता है पता होगा तुमको अगर स्ट्रेस आ जाए पानी की कमी हो जाए तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं जिससे सीओ भी कम अंदर जाती है अब स्टोमेटा ये सही तो जाती थी स्टोमेटा से ही तो गैश एक्सचेंज होता था लीव्स विल्ट में भी इसका रोल होता है क्यों लीव्स ऐसे विल्ट हो गए अब लीव लीफ अपना है लीफ ऐसे विल्ट हो गया अब क्या हो गया सरफेस एरिया घट गया तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी घट जाएगी तो पानी अपने पास लाइट रिएक्शन में यूज होता है और स्टोमेटा को भी अफेक्ट करता इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म अब आप सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम के ऊपर ये चार पन्ने तीन चार पन्ने बस माइंड मैप के भेजे हुए हैं वहां पर मैं आपको भेज दूंगी उसको देखो साथ में मैंने जो टेलीग्राम पे नोट्स भेजे हैं उनके बीच में मैंने एनसीआरटी भी इंक्लूड करी है तो आप वहाँ जाना वहाँ से उस नोट्स को उठा के पढ़ना खुद के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है एन सी आर टी पढ़ो बस ठीक है तो मेरा टेलीग्राम का लिंक अगर तुम लोगों को चाहिए तो क्या करो रक्षिता सिंह इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ चले जाओ अगर तुमको मेरे साथ इस कोर्स में पढ़ना है यहाँ तो प्लान फिजियोलॉजी हो रही है बाकी पूरा कोर्स ये चल रहा है तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आज तुम लोगों के लिए सरप्राइज दिया ही है कल तक कल या परसों तक परसों पर दिन तक ये कोड इनएक्टिव हो जाएगा नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दिस विल गिव यू रुपीज हंड्रेड ऑफ लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को एफर्ट्स पसंद आए होंगे सी आई स्टार्टेड टेकिंग दिस लेक्चर एट नाइन सेवन एंड टिल नाइन फोर्टी टू आवर्स फोर्टी मिनट्स का ये लेक्चर रहा है एंड आई गेस मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ हर पॉइंट एन सी आर टी का एक सिंगल पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा चार बार समझाने की चार बार याद करवाने की कोशिश करी है इसको नोट्स बनाने में मुझे चार घंटे लगे हैं सो दिस चैप्टर एक दिन में मेरा छः घंटे चालीस मिनट अप्रोक्सीमेटली सात घंटे में आपके एक लेक्चर पे मैं लगा रही हूँ एंड अब तुम्हारा सात बजे क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे आधा घंटा नैप भी लेना पड़ता है ताकि मैं अगला डेढ़ घंटा ढाई घंटा एनर्जी के साथ बोल पाऊं सो आई होप यू आईज आर लाइकिंग द दफर्ट्स जस्ट प्लीज ये वीडियो एंड करने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ के चले जाना दैट इज मच मोर देन फॉर मी फ्रॉम टुमॉरो वी विल बी स्टार्टिंग ट्रांसपोर्ट चैप्टर कल हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे परसों मिनरल न्यूट्रिशन और उसके बाद प्लांट ग्रोथ ये चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं ठीक है अभी सभी लोग फटाफट से दो मिनट का चूहे के लिए मौन व्रत रखेंगे चूहे के लिए दो मिनट का मौन व्रत रखेंगे उसके बाद मैं सेशन एंड कर दूंगी और तब तक वेट करो और कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ जाओ आई डोंट थिंक सो यार एक कमेंट छोड़ना इतना मुश्किल है इफ़ आई एम लाइक पुटिंग इतना आई गेस यू कैन डू इट इतना फॉर मी एक लाइक like करते हैं एक कमेंट मांगते हैं हम लोग को थोड़ी हेल्प हो जाती है ठीक है